Good morning. अभिषेक, शिखा, उमेश, वसुधा, सभी को गुड मॉर्निंग. ऑनलाइन स्टूडेंट जो है हमारे, कल गुप्तकाल पे बात कर रहे थे हम लोग, है ना. अच्छा, गुप्तकाल पे कोई भी बात हम गुप्त तरीके से नहीं कर रहे थे, ऐसा मत समझिए. गुप्तकाल पे बात कर रहे थे तो एकदम दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉरेस्पोंडेंस का कोर्स होता है, उसमें ग्रेजुएशन के लेवल पे लोग कई बार एडमिशन ले लेते हैं कुछ और करियर को ध्यान में रखकर. ठीक है, कमल, इंदु, हर्षल, किसलय, गुड मॉर्निंग, है ना. तो एडमिशन तो ले लेते हैं सब, और एडमिशन लेने के बाद मतलब कॉरेस्पोंडेंस का मतलब है कि बस किसी तरह से पास कर जाएं ताकि और कहीं वो टारगेट कर पाए लाइफ में, किसी और करियर को बनाए, वो है ना. उसमें समुद्रगुप्त पे कोई प्रश्न आया था कभी, हमारे एक जूनियर है, अभी राजधानी कॉलेज में लेक्चरर है, वो यहाँ डीयू में ही, वो मेरे साथ ऑप्शन वाली क्लास में मुझे असिस्ट किया करते थे. तो कॉपी चेक कर रहे होंगे कभी वो, उन्होंने कहा कि सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉपी आई है ना, मतलब. और वो समुद्रगुप्त को लेकर के था, मतलब समुद्रगुप्त जो था गुप्त रूप से समुद्र पे शासन करता था. ठीक है, और मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें, मतलब अक्सर वो घोड़े पे बैठकर समुद्र में जाया करता था. ठीक है भाई, कल्पना भी करो तो ऐसा करो, अब घोड़े पे बैठकर समुद्र में जाया करता था, है ना. जैसे कल कहीं देख रहा था मैं कि एक जजिया नामक कर है, ठीक है, कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ पता नहीं किसी ने शेयर किया था कि अकबर ने जजिया हटाया था, है ना. तो अकबर की बेगम का नाम था रजिया, क्योंकि अपनी बेगम से बहुत प्रेम करता था इसलिए उसने हटा दिया जजिया. पता नहीं किसी उसमें लिखा हुआ था स्कूल कॉलेज का नाम वगैरह भी, ठीक है ना. तो हिस्ट्री को लेकर के ऐसे बहुत सारी बातें कभी कभी, है ना, लोगों को लगता है हिस्ट्री क्या लिख देंगे, मतलब तो लिख देंगे तो कुछ तो आइडिया होगा तब तो लिखोगे, ठीक है. ऐसे कुछ भी लिख के आ जाओगे तो फिर थोड़ी बात बननी है. कल हम लोग गुप्तों के राजनीतिक इतिहास पे बात कर रहे थे, और कुशानों के सामंत के रूप में गुप्तों को देखा जाता है, नंबर वन. ठीक है, नंबर दो, श्रीगुप्त को संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है. समुद्रगुप्त ने एक साम्राज्य की रेखा खींची, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा एम्पायर उसने, मतलब साउथ इंडिया में भी और सीमावर्ती इलाकों में भी उसका इन्फ्लुएंस था. ठीक है, उसके बारे में छोटा सा परिचय हो ही गया था. चंद्रगुप्त के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे आपसे, हम चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इसका जो काल है थोड़ा सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल, है ना. 380 से 412 ईस्वी तक उसका शासन रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का. उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें आप, जरा लिखें आप चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ पॉइंट. पहला पॉइंट लिखें, किसने विक्रमादित्य परम भागवत इत्यादि उपाधि धारण की, उपाधि इत्यादि उपाधि धारण की, है ना. आगे लिखें आप, इसके दरबार में 9 रत्न थे, मतलब 9 अलग अलग फील्ड के विद्वान थे, है ना. कुछ नाम लिख लीजिए आप, कालिदास, कौमा, धनवंतरी, धनवंतरी के ब्रैकेट में लिख लेंगे आप चिकित्सक, आयुर्वेदाचार्य थे, है ना. धनवंतरी, कौमा, अमर सिंह ब्रैकेट में कर लें आप कि अमरकोश,
उनकी किताब का नाम है, संस्कृत व्याकरण पर है, अमरकोश। ठीक है, संस्कृत व्याकरण पर किताब है ये। इसी में लिखे वराह मिहिर, वराह मिहिर है ना, इत्यादि। और भी शंकु, वेताल भट्ट, छपनक, ऐसे करके और भी 9 थे। ये 3-4 प्रायः किताबों में मिल जाते हैं। जैसे एक वेताल भट्ट था, वो मैजिशियन था, शंकु था, आर्किटेक्ट था, अलग अलग 9 स्कॉलर का उल्लेख मिलता है। तो ये 3-4 किताबों में प्रायः मिल जाते हैं नाम। अमरकोश पे एक बार प्री में सवाल भी आ चुका है, आर्य शर्मा ने भी अलग से अमरकोश का उल्लेख किया है, ठीक से बताया है। अमरकोश के ऊपर एक सवाल पीटी में पूछा है रिसेंटली ही। ये सब 5-7-8 वर्षों के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। नेक्स्ट लिखे आप एक और पॉइंट इसके बारे में कि चीनी यात्री फाहयान की भारत यात्रा, फाहयान की भारत यात्रा जब हम मेगास्थनीज की बात कर रहे थे तब भी हमने फाहयान का भी उल्लेख किया था। हमने कहा था मेगास्थनीज, फाहयान, वेनसांग, अल बरूनी, ये 4 ऐसे यात्री हैं। जब भी आप किताब पढ़िएगा तो इनके बारे में भी 2-4 कही गई बातों को ऑब्जेक्टिव के मकसद से नहीं नजर में रखने की कोशिश करिएगा, कभी मेंस में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, पहले भी एक बार बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। फाहयान आया था तो बौद्ध धर्म के मकसद से ही भारत में, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से आया था भारत ये, और अपनी यात्रा विवरण में बहुत सारी जानकारी देता है उस समय, है ना। नेक्स्ट लिखें, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। इसकी पुत्री है प्रभावती गुप्त, और विवाह हुआ था उसका वाकटक वंश, वाकटक वंश महाराष्ट्र का था। सातवाहनों के पतन के बाद महाराष्ट्र में वाकटक वंश आया था। कौमा देके लिखे आप उसी में, पुत्र के संरक्षक के रूप में लंबे समय तक शासन किया। चूंकि पति की मृत्यु हो गई, बेटा अल्पायु था, तो शासन इन्होंने किया। एक तरह से गुप्तों का महाराष्ट्र पर प्रभाव बना रहा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके बाद कुछ वर्षों तक। एक और पॉइंट लिखें, दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ भी इसी काल में निर्मित है, इसी काल का निर्मित है। और चूंकि वराहमिहिर हैं, कालिदास ने अच्छा खासा समय उज्जैन में बिताया, तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उज्जैन जो है एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। लिख लीजिए आप एक पॉइंट और, देखें पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैन इस काल में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र।
ठीक है, पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र। लगभग ये सारी बातें जो बताई गई आपको कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताई गई हैं। एक थोड़ा वंशावली का क्रम बना रहेगा हमारा और उस दौर की कुछ खास कल्चरल बातें फैक्चुअली। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका बेटा जो आता है वो है कुमारगुप्त। लिखे आप कुमारगुप्त, चार सौ पंद्रह से 455 ईस्वी, लंबा शासन रहा है कुमारगुप्त का भी। कुमारगुप्त के बारे में वैसे तो देखो, कुमार ये जो है शिव के अनुयायी थे, मतलब शिव को मानते थे, है ना, और ऐसे बहुत सारे इनके अभिलेख वगैरह भी मिलते हैं, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही बातों का ध्यान रख, एक ही बात का ध्यान रखना है हमें। देखिए आप, नालंदा महाविहार की स्थापना इसी काल में, नालंदा महाविहार की स्थापना इसी काल में, ठीक है, काफी फेमस रहा तो कुमारगुप्त प्रथम के समय स्थापना हुई है। एक पॉइंट और लिखो आप जरा, पुष्यमित्र नामक मध्य एशियाई आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण का विफल प्रयास, भारत पर आक्रमण जो कि विफल रहा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है पुष्यमित्र, इसलिए हमने कहा एक ही। बट विदेशी आक्रमणकारियां जितने भी हुए हैं यूपीएससी के थोड़े फेवरेट लिस्ट में है, पीटी वाले में, पुराना नया सब ट्रेंड में, तो कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन होता तो रख लेते हैं कि चलो ट्रेंड रहा है पहले का। तो कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी, स्कंदगुप्त, देखें आप कि हूनों के आक्रमण को, हूण जो थे वो मध्य एशियाई आक्रमणकारी थे और इसने हूणों के आक्रमण को विफल किया, हूणों के आक्रमण को रोका। हालांकि बाद में, अभी तो रोकने में कामयाब होगा, बट बाद में हूण आक्रमण करेंगे और गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर देंगे। हमने क्या कहा, राजवंशों के पतन में विदेशी आक्रमण का भी एक रोल, पंजाब राजस्थान के कुछ इलाके, मालवा, यानी पंजाब कहने का मतलब पाकिस्तान होता है लगभग, इन सब क्षेत्रों पे हूनों का शासन स्थापित हो जाएगा, गुप्त धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे। एक और लिखो आप स्कंदगुप्त के बारे में, इसके जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख, मौर्यों का उल्लेख, सुदर्शन झील का उल्लेख मौर्यों का उल्लेख, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रमुख गुप्त शासक। इसके बाद भी एक लंबी कड़ी है, बट अंतिम जो था वो था विष्णुगुप्त। लिख लें आप, अंतिम शासक विष्णुगुप्त, ठीक है। अच्छा, गुप्तों के पतन के बाद फिर जैसे उत्तर भारत में भी छोटे छोटे राज्य आ जाएंगे, मगध में ही एक उत्तर गुप्त या परवर्ती गुप्त आ जाएगा, मालवा में केशव धर्मन आएगा, कन्नौज में मौखरी वंश आएगा,
हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश आएगा, बल्लभी में मैत्रक वंश आएगा, पंजाब, गुजरात बल्लभी की बात कर रहे हैं, पंजाब वगैरह में हूनों का शासन स्थापित होगा, है ना। ऐसे करके उत्तर भारत फिर एक बार छोटे छोटे राज्यों में बट जाएगा, ठीक है। और गुप्तों का पतन क्यों हुआ, तो हमने बताया था एक अयोग्य उत्तराधिकारी, जैसे तो आप पढ़ते जाना है आप, चूंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में से सवाल तो होने ही नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट रखिएगा अयोग्य उत्तराधिकारी होना ही होना है। उत्तराधिकारी अयोग्य होगा तो अधिकारियों के महत्वाकांक्षा जो है, ठीक है, थोड़ा प्रबल हो जाएगी, मतलब वो चाहेंगे कि भी हम भी अपना एक अलग राज्य बना लें, है ना। उत्तराधिकारी अयोग्य होते हैं, अधिकारियों के महत्वाकांक्षा प्रबल होती है, तो नॉर्मली आय में गिरावट होती है, सैन्य ढांचा कमजोर पड़ने लगता है, और बचा खुचा जो काम होता है वो सब विदेशी आक्रमणकारी एक अव्यवस्था फैलाने का काम। सामान्यतः ये चार पांच बातें पतन में, तो यहां भी पतन में है, फिर क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा, मतलब एक साम्राज्य का पतन होगा, फिर छोटे छोटे राज्य का, मौर्यों के बाद कैसे छोटे छोटे राज्य हुए, इसके बाद भी पतन और उदय, केवल आइडिया रखना है आपको पढ़ने के दौरान, आमना सामना होता रहता है तो ठीक है, पढ़ लिया दो पेज में दिया होगा, क्रक्स यही है उसका, मतलब क्लियर सभी को ना। अब गुप्तों के प्रशासन की चर्चा तो होती है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, सवाल भी पूछे गए यूपीएससी प्री में, पर जब भी चर्चा होती है तो मौर्यों से तुलना होती है। प्राचीन काल में जब भी राजवंश की बात होती है तो दो, मौर्य और गुप्त, ठीक है। देखिए आप जरा गुप्त प्रशासन, गुप्त प्रशासन, पहला पॉइंट लिखे आप कि उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर प्रत्यक्ष शासन तथा सीमावर्ती क्षेत्र एवं दक्षिण भारत में सीमावर्ती क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में ऐसे शासक जो गुप्तों की अधीनता को स्वीकारते थे, गुप्तों की अधीनता को स्वीकारते थे, स्वीकारते थे, समय समय पर नजराना देते थे, समय समय पर नजराना देते थे, और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सेवा भी। ठीक है, राज्यों के नाम का उल्लेख तो मिलता ही है, बट वो कोई ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ध्यान रखना है, ये आइडिया रखना है कि जो टोटल इनका शासन था गुप्तों का, दो तरह का था, डायरेक्ट शासन था, इनडायरेक्ट शासन था। जो इनडायरेक्ट था वो एक तरह से स्वायत्त ही थे, बस समय समय पे जब भी मिलना है उपहार दे दिया, या राज परिवार में अपनी बेटी की शादी कर दी, ठीक है, और जब केंद्र का आदेश आया तो वो मदद करने के लिए सेना, तो पहले से ही बहुत सारी सत्ता स्वायत्त, ठीक है, पहले से ही स्वायत्त है ना। तो मौर्यों में ऐसा नहीं था, जहां भी शासन था उनका वहां वो अपनी पकड़ बनाकर, तो मौर्यों की तुलना में देखोगे प्रत्यक्ष नियंत्रण का दायरा भी कम था इनका, ठीक है, और अप्रत्यक्ष शासन ज्यादा कर रहे थे ये, यदि हम कंपेयर करते हैं दोनों को। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे, राजा सर्वे सर्वा
वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक, वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने वाला, और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने वाला, ठीक है, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने वाला कोई भी राजा होगा, उसको माना गया कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था को, यानी वर्ण व्यवस्था को जो भेदभाव बना के रखिए आप, आश्रम व्यवस्था ठीक है ऐसे बना के रखिए आप, बड़ी बड़ी उपाधियां, जैसे मौर्य शासक कोई बड़ी उपाधि तो लेते नहीं थे, है ना, अशोक था देवताओं का प्रिय लेता था, इसमें महाराजा धीराज, परम भट्टारक, ऐसे करके उपाधियों का उल्लेख, वो उपाधि टाइटल धारण करते थे, मतलब हम बहुत हैं। इससे भी पता चलता है कि उनके नीचे बहुत सारे स्वायत्त शासक, ठीक है, ऐसा व्याख्या करके बताया जाता है। देखिए आप, मौर्यों की तुलना में, नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्यों की तुलना में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कम, ठीक है, कौमा देखे लिखे आप, कुमार आमत्य या आमत्य, कुमार आमत्य या आमत्य सर्वोच्च अधिकारियों की श्रेणी, सर्वोच्च अधिकारियों की श्रेणी, जैसे वहां महामात्र या तीर्थ था, आपको याद होगा मौर्य काल में, कौमा देकर लिखें, लिखें अधिकारियों के पद के वंशानुगत होने, वंशानुगत होने तथा एक एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग पद धारण किए जाने का उल्लेख मिलता है। अलग अलग पद धारण किए जाने का उल्लेख मिलता है, ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं केंद्र जो है थोड़ा कमजोर ही हो रहा था, जैसे एक व्यक्ति कई मंत्रालयों को संभाल रहा है, या एक मंत्री है उसका फिर बेटा मंत्री है, फिर अगली पीढ़ी मंत्री, ऐसे भी दिख रहे हैं। तो जैसे हमने बताया आपको कि एक बड़े भूभाग पर शासन नहीं है, वैसे ये भी कहीं ना कहीं कमजोर होती व्यवस्था, या मौर्यों की तुलना में कम से कम एक कमजोर व्यवस्था के लक्षण माने जाते हैं। कुछ नाम लिख लें आप अधिकारियों के, आप मंत्रियों के नाम हैं, जैसे संधि विग्राहिक, एग्जाम्पल देके लिखिएगा आप, संधि विग्राहिक एक ही नाम है ये, है ना, कौन सा मंत्री होता था ये, संधि करवाने वाला, वेरी गुड, हाँ बहुत सही दिमाग लगाया है तुमने, ये अच्छी बात है, नहीं ठीक तुमने, मैंने कह रहा हूं तुमने सही तरीके से संधि कराने वाला, मतलब तुमने जो रीजनिंग लगाया वो ठीक है, युद्ध एवं शांति का मंत्री लिख लो आप, शांति का मंत्री तो समझ में आता है, बट किताबों में लिखा हुआ युद्ध का भी मंत्री था ये। एक लिखो आप महाप्रतिहार, ये महाप्रतिहार ये हो गया राजमहल का रक्षक, ठीक है,
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप। देखिए, मौर्यों की तुलना में करों की भी संख्या कम, यहां पे एक एग्जाम्पल लिख लो, भाग भाग या उद्रंग, भाग या उद्रंग भू राजस्व कर को कहते थे, भू राजस्व कर। इसी में लिखो आप, कॉमा लेकर के, ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी, ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी कर संग्रह करता था। नेक्स्ट लिखो आप कि सेना में घुड़सवार सेना का अधिक महत्व, ब्रैकेट में लिख लें आप, कुषाणों एवं शकों का प्रभाव, शकों का प्रभाव सेना वैसे ही होता है, पैदल सेना, हाथी सेना, रथ सेना, कब किसको क्या महत्व मिलेगा वो डिपेंड करता है। बट चूंकि कुषाणों और शकों ने घुड़सवार सेना को अधिक महत्व दिया था अपनी व्यवस्था में, उसके बाद चूंकि उन्हीं के अधिकारी थे गुप्त भी, तो गुप्तों की सेना में भी हमें घुड़सवार सेना की अधिक जानकारी मिलती है। शासकों को घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है सिक्कों पे, और भी साक्ष्य मिलते हैं। एक और लिखो आप, अगला पॉइंट, दीवानी एवं फौजदारी मामले सुपरिभाषित, दीवानी एवं फौजदारी मामले सुपरिभाषित, ठीक है, मामले सुपरिभाषित। पहली बार बुद्ध काल में ना दीवानी और फौजदारी मामले अलग होने शुरू हुए थे। इस समय तक इतने सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी स्मृतियां वगैरह भी आ गई हैं जो, हाँ और भी हैं, ठीक है, तो एक वेल डिफाइन हो गया है दीवानी और फौजदारी मामले, ये माना जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, न्याय व्यवस्था एक बार हमने बता दिया बुद्ध काल में वो वर्ण भेद पर आधारित थी, एक ही अपराध के लिए उच्च वर्ण को कम दंड, निम्न वर्ण को अधिक दंड, उच्च वर्ण को बहुत सारे विशेष अधिकार भी हासिल थे। बुद्ध काल में जो बताया वो कॉन्सेप्ट यहां भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मध्य काल में जब इस्लामिक शासन होगा देश के एक बड़े हिस्सों पे, इस्लाम मानने वालों का शासन होगा, तब भी जो दीवानी मामले होंगे हिंदुओं के, वो ठीक है, वो हिंदू रीति रिवाज से ही चलेंगे, और जहां हिंदू शासक होंगे वहां यही व्यवस्था, न्याय व्यवस्था चलेगी कि भाई याज्ञवल्क्य में क्या कहा गया है, नारद में क्या कहा गया, उसी हिसाब से चलने हैं। मतलब अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारा सिस्टम बदलेगा, तो ये भेदभाव पर ही आधारित था। केंद्रीय स्तर पे क्या देखते हैं, मौर्यों से तुलना करेंगे तो हम एक चेंजेस दिखाई पड़ेगा आपको, न्याय प्रशासन में कुछ तो कुछ खास चेंज नहीं होना है, बट सेना में ऑब्वियस है, जब बड़ा साम्राज्य नहीं तो सैनिकों की संख्या भी कम होनी है, साम्राज्य बड़ा नहीं तो अधिकारियों की संख्या भी कम होनी है, खर्चे ज्यादा नहीं है तो आपके पास टैक्स भी कम लोगे आप। वो एक चेंज है कि भाई ये है तो दूसरा होगा, नहीं है तो ये ऐसा होगा। तो ये सब बताता है कि तुलनात्मक रूप से केंद्र कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब उतना मजबूत नहीं था जितना मौर्यों के समय था। आगे लिखो आप, शीर्षक दे दो, प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखकर चलना,
प्रांत को, प्रांत को भुक्ति कहते थे, भुक्ति, एवं प्रांत प्रमुख को उपरिक, जिला को विषय कहते थे, और जिला प्रमुख को विषयपति, जिला को विषय और जिला प्रमुख को विषयपति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विषयपति यहां पे लिख लें आप। कि विषयपति को शासन में, विषयपति को शासन में एक समिति सहयोग देती थी, एक समिति सहयोग देती थी जिसमें नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी ब्रैकेट में कर दें आप, नगर के महाजन का प्रमुख, महाजन यानी सूद पर कारोबार करने वाला, नगर के महाजन का प्रमुख, सार्थवाह, व्यापारियों का प्रमुख, प्रथम कुलिक, व्याकरण में लिख लें प्रधान शिल्पी, प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी, प्रथम कायस्थ, प्रधान लिपिक, होते थे। ठीक है, तो दो बातें इसमें ध्यान देने वाली होगी। एक तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं ऑब्जेक्टिव के मकसद से, इसे पता भी चल जाएगा। श्रेष्ठी जो हो गया वो महाजनों का हो गया, सार्थवा मौर्य काल में भी लिखाया था व्यापारियों के समूह को कहते थे, प्रथम कुलिक हो गया आपका शिल्पियों का। अब देखो, शिल्पी, ब्याज पर कारोबारी, व्यापारी और जो लिखने वाले, रिकॉर्ड रखने वाले, वो सब भी शासन में सहयोग कर रहे हैं, एक समिति है। यानी अच्छी बात भी है कि बहुत सारे लोगों को आप समाहित करके चल रहे हैं शासन में, और ऐसे देखा जाए उस दौर के हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये कमजोर होते हुए केंद्र की पहचान भी, कि आपको मदद, पहले क्या था, हमने आदेश दिया और आपने बात मानी, दो तरह से देखने वाली बात हो गई। इसको विकेंद्रीकरण के रूप में भी बताया जाता है। तो जिला इंपॉर्टेंट हो गया, अगला लिखे आप ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर महतर, ग्रामिक, पुरपाल, महतर, ग्रामिक, पुरपाल इत्यादि के द्वारा शासन के संचालन की जानकारी संचालन की जानकारी एक बार जो महतर है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो जैसे कायस्थ है, कायस्थ का पहली बार उल्लेख भी गुप्त काल में मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा चूंकि सामाजिक कंपोजिशन भी हो गया ना, एक तरह से इन वर्गों की जानकारी मिल रही है। हमेशा ध्यान रखिए कि गांव स्तर पे जो शासन का संचालन करता है, उन अधिकारियों की नियुक्ति में केंद्र का कोई रोल नहीं होता है किसी भी काल में। वो
ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं वो, ठीक है, केंद्र बस उन्हें मान्यता देता है कि हाँ किससे हमें बात करनी है। केंद्र बस केवल आइडेंटिफाई करता है कि हाँ हमें इनसे किसी भी काल में ग्रामीण स्तर पे नियुक्ति के आपको बहुत उल्लेख इक्का दुक्का अपवाद मिलते हैं, ठीक है। तो ये चले आ रहे हैं, पहले के भूमिपति हैं, प्रमुख हैं, वो होता ना ग्रामीण क्षेत्र में अपने दम पे जिसने व्यवस्था बनाई हो, बस जिसकी व्यवस्था है वो उससे संपर्क स्थापित करता है, उससे रेवेन्यू वगैरह की बात, कानून व्यवस्था की बात, ऐसा होता है। तो ये 6-7 नाम है, पुरपाल लिपिक होता था रिकॉर्ड रखने वाला, पुरपाल जो होता था रिकॉर्ड रखने वाला, लिख लीजिए आप। तो ये हो गया आपका गुप्तयुगीन प्रशासन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदु, यानी गुप्तयुगीन राजनीति, गुप्तयुगीन सोसाइटी इकोनॉमी में भी उतनी अधिक बातें नहीं हैं जो बहुत, कुछ कुछ बातें हैं ध्यान देने वाली एग्जाम में जो शायद पीटी में काम आ जाए। इस काल को कल्चरल डेवलपमेंट के लिए ही जाना जाता है, जो साहित्य है, कला है, वो सब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, धर्म, मूर्तिकला, चित्रकला, है ना। तो कल्चर पे ही बात करेंगे, पर सोसाइटी इकोनॉमी को भी जरा निपटा लेते हैं 5-5 मिनट में, निपटाना समझते हैं ना। हाँ ठीक है, गुप्तयुगीन समाज, पहला पॉइंट लिखिए आप, पूर्ववर्ती काल की तरह पूर्ववर्ती काल की तरह वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत दास प्रथा इत्यादि का प्रचलन, ठीक है, ये सब तो है ही, बुद्ध काल से जो चला आ रहा है उसमें कुछ खास थोड़े बहुत चेंजेस लेकिन है यहां पर, है ना। अब क्या क्या चेंजेस आए इस काल में देखते हैं जरा। इसमें अगला पॉइंट लिखे आप, जातियों की संख्या में वृद्धि मुख्यतः दो कारणों से, विदेशियों को जाति व्यवस्था में समाहित किए जाने के कारण, समाहित किए जाने के कारण, तथा भूमि अनुदान के कारण बड़ी संख्या में जनजातीय समाज को भी जाति व्यवस्था में समाहित किए जाने का उल्लेख। ठीक है, खास करके मध्य प्रदेश वाले इलाके में बड़े पैमाने पे गुप्त काल में भूमिदान धार्मिक उद्देश्यों से, मतलब ठीक है, और जनजातीय समाज जहां ब्राह्मण को अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है, और फिर वो अपने साथ वो नए नए ज्ञान को लेकर भी जा रहे हैं, बट वो व्यवस्था भी जो वर्ण व्यवस्था वाली थी, तो उसमें समाज में जो लड़ने वाले हैं वो क्षत्रिय के रूप में, ठीक है, जो व्यापार करने वाले होंगे आसपास, है ना, तो वैसे करके एक डिवीजन सोसाइटी में, टाइम लगा होगा बट वो भी होता है।
राजपूतों के 36 कुल माने जाते हैं, जिसमें हूण भी एक कुल माना गया है। ठीक है, तो या तो शिल्पों के कारण या इन सब कारणों से भी संख्या बढ़ती रही है। आगे लिखें आप, इस काल में अछूतों की संख्या में भी वृद्धि, जैसे फाहयान ने भी इसका उल्लेख किया है। फायान एक चांडाल नामक जाति का उल्लेख करता है कि मुख्य बस्ती से बाहर रहते थे, मांस मदिरा का व्यवसाय करते थे। जब भी वो आते तो आवाज करते हुए आते थे ताकि लोग उसके मतलब दूर रहें। तो एक विदेशी यात्री जब इस तरह की बात कहता है, इसका मतलब है कि समाज में, चूंकि नए नए दूर दराज के इलाकों में भी ब्राह्मणवादी संस्कृति का प्रसार हो रहा था, तो जो उस तरह के जो दबे या कमजोर वर्ग रहे होंगे उसको व्यवस्था से अलग, ठीक है, समय के साथ कर दिया गया होगा, है ना, जैसा हमने बताया था शुरू में वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करते हुए। तो इसके आधार पर, कुछ और आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि संख्या बड़ी होगी। एक और पॉइंट लिखें आप, पहली बार गुप्त युगीन नारद स्मृति में पहली बार गुप्त युगीन नारद स्मृति में दासों के मुक्ति के प्रावधान का भी उल्लेख, दासों की मुक्ति के प्रावधान का भी उल्लेख मतलब दासता से कोई मुक्त हो सकता है, उसके तरीके बताए गए हैं। इसके पहले किसी भी ग्रंथ में दासता का तो उल्लेख है लेकिन मुक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे लिखें आप, लिखें शूद्र वर्ण का धीरे धीरे कृषक समुदाय के रूप में पहचान, ये पहले से प्रक्रिया चली आ रही है। जब खेती का विस्तार हुआ, जैसे आपने कहा कि भाई आप केवल सेवा करेंगे या आप कुछ शिल्पों का काम करेंगे मजदूर के रूप में, दास के रूप में, लेकिन जब लोगों की जरूरत पड़ी, राज्य को पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप कहां से लाएंगे लोग? आप तो कौटिल्य के समय ही कहा जाता है कि नहीं, आप खेती कर सकते हैं। शूद्रों के बारे में कहा गया कि कौटिल्य के काल में साफ साफ उल्लेख मिलता है कि आप खेती कर सकते हैं, यानी खेती हर समाज के रूप में स्वीकार, धीरे धीरे समाज की जरूरत है। और मौर्योत्तर काल में भी ये परंपरा बनी रही, गुप्त काल में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के ठीक बाद हर्षवर्धन के काल में एक वेनसांग नामक चीनी यात्री आएगा जो साफ साफ कहता है कि शूद्र जो है वो कृषक हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एकाएक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एकाएक नहीं होती है, ये ग्रेजुअल प्रक्रिया होती है, चलती रहती है। अच्छा, कोई भी बदलाव, जैसे हम कहते हैं कि ये ऐसा हुआ, हमेशा मान के चलिएगा भारत इतना बड़ा है कि एक साथ पूरे भारत में कभी भी न तो सबका इम्पैक्ट एक जैसा होता है। जहां की जानकारी मिलती है, जैसे मान लो गुप्तों की बात करें तो उत्तर भारत के कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एंशियंट हिस्ट्री को या मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने में हमेशा ध्यान रखना होता है हमें कि एक पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिखें आप, इसे में लिखें कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो शूद्र वर्ण को एवं महिलाओं को
रामायण महाभारत पुराण सुनने तथा कृष्ण की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। ये माना जाता है जैसे ब्राह्मण धर्म का जो पुनरुत्थान हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है उसमें, ये उसका सूचक माना जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में समाज के सभी वर्गों को महत्व दिया गया था, तो वैसे कहा जा रहा है कि नहीं, आप इन ग्रंथों को सुन सकते हैं, कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, आर्य शर्मा उल्लेख कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इनके बदलते महत्व का वो सूचक है। आगे लिखे, हालांकि हालांकि महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों का पूर्ववर्ती काल की तरह ही प्रचलन तरह ही प्रचलन और ईस्वी के एरन अभिलेख में एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये माना जाता है कि देखो, धार्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा बदलाव है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं का दर्जा और गिर रहा है। कि साहित्यिक साक्ष्य तक तो बात समझ में आती है, बट अभिलेखीय साक्ष्य को बहुत ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा भी गया, ये अभिलेख के बारे में, किसमें पहला सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है ना। कहीं ना कहीं महिलाओं को एक तरह से ना व्यक्तिगत संपत्ति के तौर पे देखा जा रहा है कि अब मैं नहीं हूं उस दुनिया में, भाई तो तुम भी। ठीक है, इस तरह से देखे जाने की प्रवृत्ति प्रतिसत्तात्मक समाज का जो एक बढ़ता दबदबा है उसकी प्रवृत्ति, या सामंती मानसिकता जिसकी बात करेंगे अब हम, ठीक इसके बाद है ना, उसकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति का द्योतक, तो ये इस तरह से इसे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं समाज में जो पुरुषों का दबदबा था, जो व्यवस्था थी, वो और प्रबल ही होती जा रही है। मतलब ये उसका द्योतक माना जाता है, तो गिरावट के तौर पे ही देखा जाता है। तो समाज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव से संबंधित पहलू हमने इसलिए भी लिया कि कभी सवाल आ जाए कि प्राचीन काल में महिलाओं की दशा पर टिप्पणी करें, बहुत चांसेस है कि मेंस में ऐसे सवाल, बहुत चांसेस हैं, मतलब हो सकता है जल्दी ही दिखे आपको। ठीक है, या चूंकि बहुत सारे जो ये महिलाओं की दशा की बात करें हम, या वर्ण व्यवस्था वगैरह की बात करें हम, ये सब हमारे जीवन में आज भी है ना, तो इसके इर्द गिर्द कोई सवाल कभी पूछा जा सकता है। तो प्राचीन काल में, तो हड़प्पा काल में हमने क्या पढ़ा, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में, ठीक है, तो हर एक काल में कुछ ना कुछ जानकारी हम थोड़ी बहुत, समझ में आ रही है बात, सबको हम एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो महिलाओं की दशा के बारे में आपको एक जानकारी, गुप्त काल तक की तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या क्या बदलाव आ रहा है। यस, हाथ उठाने का मतलब बोलना थोड़ी है, मैं जब कहूंगा तब रुक जाओ, पहले उनको बोलने देते हैं फिर तुम्हें लेते हैं। हाँ बोलिए। रामायण में सती प्रथा का कहीं जिक्र मुझे ध्यान नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है हो, मतलब क्वेश्चन ये कि रामचरित्र, मतलब रामायण में जो वाल्मीकि रामायण है, ठीक है, उसमें है या नहीं, मुझे ध्यान, चूंकि किताबों में मुझे नजर नहीं आ रहा है। रामायण जो पूरी सीरियल भी कभी देखी थी हमने बहुत पहले,
ऐसा वाक्य मुझे ध्यान नहीं कि किसी को सती जलाया गया हो। सीता की अग्नि परीक्षा का तो उल्लेख मिलता है, ठीक है, बट सती प्रथा का कोई उल्लेख ऐसा नहीं मिलता है ना। देखो रामायण जो जो उसका एक्चुअल देखो दो तरह की चीज है उसमें। एक तो है कि मतलब ये माना जाता है कि भाई वो एक मिथ के तौर पे देखा जाता है कि भाई धीरे धीरे उस तरह की चीजें समाज में प्रचलित हुई, और एक इस समाज का जो एक वर्ग वो मानता है कि ऐसा जीवन रहा है और ईश्वर के तौर पे राम को देखा जाता है ना। तो वो जो पूरा का पूरा रामायण है वो एक आदर्श परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, एक मतलब उसमें यही है कि भाई एक योग्य पुत्र क्या होता है, एक योग्य भाई क्या होता है, पत्नी, परिवार, माँ का आदेश मानना चाहे आदेश गलत ही सही हो, अनुशासन पे, परिवार प्रथा पे, और हर बात पे नीति अनीति की बात करना, ये सत्य है ये असत्य है, और अंततः सत्य की विजय, ठीक है, और असत्य की पराजय, है ना। मतलब एक मूल्यपरक शिक्षा है, सच्ची घटनाओं पे भी आधारित हो सकता है वो, ठीक है ना, इसमें कोई दोराय नहीं है। जैसे अभी तक ऐसे कोई प्रमाण बहुत ज्यादा मिले नहीं है, हो सकता है कभी ऐसा युग रहा हो, ठीक है, मतलब। बट क्या होता है कि एक विज्ञान जो विकास की परंपरा हमें बता रहा है, मतलब उसमें उस तरह की डेवलप सोसाइटी की कल्पना करना अभी संभव नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें ना अनसुलझी हैं अभी भी भारतीय इतिहास में भी। जो जिस तरह का एक विचार जो आता है उभर करके सामने, जो उन्नत विचार है, उन्नत सोच है, ठीक है, वो सामान्य बात नहीं होती है, वो एक अच्छे खासे बौद्धिक विकास का परिणाम होता है वो, है ना। वो सामान्य से उपनिषदों के विचार है कोई सामान्य बात नहीं है, बुद्ध के विचार है वो कोई सामान्य बात नहीं है, योग की परंपरा है, शरीर क्रिया विज्ञान की समझ बहुत बाद में, सेकेंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी में चरक और सुश्रुत जो पूरे शरीर क्रिया विज्ञान को समझा दे रहे हैं, ऑपरेशन को समझा दे रहे हैं वो उस समय, कैसे करना चाहिए ऑपरेशन, किस दवा का शरीर के किस अंग पे असर होता है। मतलब योग बहुत विकसित अवस्था में है, योग विकसित अवस्था होने का मतलब शरीर क्रिया विज्ञान की छोटी छोटी बातों की समझ है, किस आसन से शरीर के हिस्से पे क्या फर्क पड़ता है, वहां क्या बदलाव आएगा, तो ये सब ज्ञान की जो परंपरा है कैसे विकसित हुई, कैसे विकसित, विकसित तो है, कैसे विकसित हुई पता नहीं। यदि वैज्ञानिक आधार पे भी कहें तो बहुत चीजें ऐसी हमारी समृद्ध विरासत है, ठीक है, ठीक है, जीवन यात्रा में हो सकता है समय के साथ, अनुभव के साथ चीजें मतलब उभर कर आई हूं, बट है तो है ही विरासत। तो वैसे ही रामायण के बारे में भी माना जाता है कि जो एक एक उच्चतम सोच को अभिव्यक्त करता है रामायण भी, ठीक है, और क्या करना चाहिए जीवन में, नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसकी शिक्षा है, तो सामान्य बात नहीं है मतलब वो, ठीक है, चाहे जैसे भी वो परंपरा समाज में प्रभावित है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय कि सोसाइटी में गुप्त काल में, और कभी जैसे आज प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पे टिप्पणी करने के लिए आ गया आपसे, ठीक है, महिलाओं की दशा पे टिप्पणी करने के लिए आपसे पूछ लिया, ठीक है, कभी ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कल्चर वाले खंड में, मेंस में, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में कुछ पॉइंट लिख लो आप जरा, हाँ एक सेकंड, जरा इनका सवाल ले लो, मैं याद आ गया मुझे, हाँ आप बताइए। आपको लिखने का मौका मिल जाएगा, क्वेश्चन है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग की महिलाओं में तुलना करने के लिए कहा जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं कहेगा कभी भी, मतलब महिलाओं की दशा में ऑब्वियस आप बता सकते हो उसमें कि जो पराधीनता आपको दिख रही है, कुरूतियां उच्च वर्गीय महिलाओं में अधिक दिखेंगी आपको। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो माना जाता है वो माना जाता है आर्थिक निर्भरता पुरुषों पे। निम्न वर्गीय महिलाएं जो हैं वो मेहनत मजदूरी करती थी, तो उनमें संभवतः इस तरह की कुरूतियों का प्रचलन ना रहा हो या नाम मात्र का रहा हो। नहीं, जो भी सामाजिक कुरूतियां हैं निम्न वर्ग में उनके प्रचलन के वैसे कोई बड़े प्रमाण नहीं मिलते हैं,
ये तो माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उच्च वर्ग में इसके प्रचलन के ज्यादा साक्ष्य भी हैं, संभावना भी है ना। ठीक है, तो सती प्रथा भी उच्च वर्ग में ही अधिक प्रचलित रही होगी, है ना। कोई भी कुरीतियां जो हैं, निम्न वर्ग में क्या होता था कि भाई जितने बच्चे होंगे उतने हाथ उतना काम, आज भी ये माना जाता है। ठीक है, तो आज भी ऐसे ही दिखेगा आपको। क्या सवाल है आपका? हाँ हाँ फ्रीडम मतलब निम्न वर्ग को, वो तो हमने बताया अभी ना आपको कि प्रमाण तो पक्के पक्के वाले कुछ बहुत मिलते नहीं है हमें ना, पर जितने साक्ष्य मिलते हैं उससे ये माना गया है कि अधिकांशतः सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन जो है उच्च वर्ग में ही अधिक, ठीक है, निम्न वर्ग में उस तरह से प्रचलन, कुछ अपवाद होंगे, मतलब आप इतने बड़े हिंदुस्तान में तो हम नहीं कह सकते एकदम, ठीक है, लेकिन आर्थिक रीजन माना जाता है और ये बहुत व्यवहारिक कारण माना जाता है। आज के समय में भी देखेंगे आप कि अपने जीवन में जितना भी अनुभव है, मतलब स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक, आर्थिक रूप से जो बच्चियां निर्भर हैं अपने ऊपर या जो महिलाएं अपने ऊपर निर्भर हैं, उनका दृष्टिकोण ही अलग होता है एकदम। ठीक है, लड़कों पे भी लागू होता है, ठीक है, बट फिर भी सोसाइटी ऐसा सेटअप है आज भी जहां तुलनात्मक रूप से लड़कों को फ्रीडम तो अधिक होता ही है, ठीक है, बट आर्थिक निर्भरता का तो बहुत संबंध है। आपके पॉकेट में पैसे हो अपने कमाए हुए, तो बहुत कुछ बात बदल जाती है जीवन में, है ना। ठीक है, एक अलग तरह का आत्मविश्वास आता है ना। ठीक है, निर्णय लेने की आजादी होती है, लोग सुनने लगते हैं। आप अपने यहां तो मैं एक नई सिस्टम नया सिस्टम देखता हूं कि सिविल सेवा में यदि कोई क्वालिफाई कर गया तो अपने यहां अभी भी जाति प्रथा का बंधन तो है ही ठीक ठाक, बट सिविल सेवा में कोई क्वालिफाई कर जाए और वो कहते हैं मुझे अंतर जातीय विवाह करनी है, तो समाज लगभग स्वीकार कर लेता है, मैंने देखा है। क्योंकि वो फिर कहता है कि नहीं, इसने समाज को बड़ा सम्मानित, मतलब पहले समाज बहुत दबाव बनाता है, तुम जाति का नाग, परिवार का नाग, बट उसके बाद भी वो लड़का या लड़की यदि वो जिद पे अड़ जाता है कि नहीं भाई हम एकदम अब, ठीक है, तो लगता है कि यार ये हाथ से निकल जाएगा, इससे अच्छा है कि, है ना। कई एग्जाम्पल देखें, ये ट्रेंड नहीं है, अपवाद ही है अभी भी, ठीक है, अंतर जातीय वगैरह विवाह वगैरह अपवाद ही चलता है एक तरह से, अभी भी सजातीय विवाह ही है, सामान्य बात यही है समाज में, है ना, ट्रेंड नहीं है ये कभी भी, ठीक है ना। बट मतलब अपने लेवल पे तो हमने 8-10 एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है, कि जहां हमने देखा है रिश्तों को लेकर के, मतलब बड़ा ही कुछ तो व्यक्तिगत रूप से कोई क्वालिफाई, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया अंतर जातीय विवाह में, जहां मेरा भी इन्वॉल्वमेंट रहा, वहां तो बहुत मशक्कत भी करनी पड़ी है लोगों को, मतलब बट स्टिल मशक्कत जैसे कि समझाने में, समझने में, मतलब ठीक है, तो ऐसा भी एक अनुभव है, मतलब बट जाति का बंधन अभी भी मजबूत है, ठीक है, लेकिन जाति अब क्या उदारता है, जैसे आप अपने पैर पे खड़े होते तो समाज स्वीकार कर लेता, चलो अपने पैर पे खड़ा है, शहरों में खास करके, मतलब है ना। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी हैं, एक एग्जाम्पल है मुझे याद है कि नाम बस कोट नहीं करूंगा, अब तो सीनियर ऑफिसर है वो, मतलब मेरे पहले बैच की स्टूडेंट रही है राजस्थान की, मतलब वो शादी के मंडप से उठ के चली आई थी, मतलब या एंगेजमेंट वगैरह हो रहा था उनका, मतलब फिर वो, ठीक है, एक लड़की और 2007-08 बैच में क्वालिफाई कर गई थी वो, है ना। ठीक है, तो जब पढ़ाना हमने शुरू किया था, मतलब ठीक है, तो उसी समय परिचय हुआ था, मतलब ऐसे ही पढ़ा ही रहा था, पहला बैच था, किसी के रेफरेंस पे हिस्ट्री पढ़ना था, ठीक है, और 2-3 साल लगा था, नहीं 7-8 नहीं 10-11 में क्वालिफाई की थी वो, 7-8 में मुलाकात हुई थी उससे मेरी, ठीक है। तो वैसे जब क्वालिफाई करने के बाद बताया उसने, मतलब ऐसे तो पहले नहीं बताया, कि मैं हमेशा देखता था कि जब भी देखो एकदम पढ़ने में ही, मतलब कुछ भी हो जाए, मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ ऑफिस में, मतलब कुछ भी समझा रहा हूँ, तो कॉपी पेन उसका खुला ही रहता था, मतलब ऑलवेज एक्टिव मोड में एकदम, कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, मतलब एक जैसे कईयों को देखा है हमने ना, जैसे एक जुनून देखा है हमने कईयों में, मतलब ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल कभी कभी कोट करता हूँ, पता नहीं आपके क्लास में किया नहीं किया, अभी कुछ समय पहले जबलपुर में एक कलेक्टर था करमवीर, अभी शायद ट्रांसफर उसका हो गया कुछ महीने पहले उसका अभी, तो करमवीर शर्मा, मतलब जब पढ़ने आता था हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस वाली क्लास भी करता था मुझसे वो, तो
एक अजब तरह का जुनून ही देखते थे उसको हमेशा, मतलब दिन हो रात हो कभी भी कह दो उससे, मतलब जैसे कभी एक हीरो होंडा बाइक रखता था वो, ठीक है, कभी फ्री हो गए तो नॉर्मली शुरुआती बैच वाले सब भैया ही कहते थे मुझे, मतलब है ना, तो वो भी ठीक है भैया टाइम कब मिलेगा, हमने कहा 11 बजे, तुम 11:30 में फ्री हो रहा हूँ, घूमता ठीक है, हॉस्टल में अक्सर रखता था मैं, हॉस्टल हॉस्टल में बैठता उठता रहता था मैं, चलो इस हॉस्टल में तुम आ जाना किसी कॉलेज वाले या पीजी वाले मतलब, तो या कभी भी सुबह कह कभी कह दिया कि प्रैक्टिस मैं फ्री नहीं हूँ यार आज, मैं बहुत बिजी हूँ, तो अच्छा 5 बजे मैं आके लिख लूँ क्या आपके सामने बैठ करके सुबह 5 बजे, ठीक है, तो बैचलर लाइफ भी था तो उसमें ठीक है तुम 5 बजे आके लिख लेना घर पे ही तुम आ करके, मतलब तो ना कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो जुनून वाले एग्जाम्पल मुझे याद आ जाते हैं, मतलब कि कुछ है कंसिस्टेंट है वो सब कुछ, मस्ती करते भी है कर रहे हैं पढ़े भी रहे हैं, मतलब हर तरह के एग्जाम्पल हैं, बहुत अभाव वाले एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, बट एग्जाम्पल ऐसा जैसे किसी किसी को देखा हमने कि कुछ भी नहीं उसके पास, दोस्तों की मदद से कर्ज लेकर के पढ़ाई कर रहा है, क्वालिफाई करने के बाद स्वाभिमान का आलम यह कि उसके बाद बताता है कि भाई हमारी ये स्थिति रही है, बहुत समृद्ध एग्जाम्पल भी जिनके पास सारी सुविधाएं हैं बस समर्पण जबरदस्त है वो भी निकाल रहे हैं, तो हम मतलब एग्जाम्पल बहुत है, मतलब हमने देखा है 2 साल 3 साल 4 साल। अब करमवीर का एग्जाम्पल ऐसा था कि जैसे आपने शुरू किया ना, हमने उसको भी पहले बताया था देखो प्लेन कॉपी में लिखा करना, मैं पैराग्राफ में लिखूं या भैया पॉइंट में लिखूं, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं मैं फंस जाता हूं, मतलब उसको हमने यहां से मुझे अभी भी याद है बताना शुरू किया था, 27वीं रैंक आई थी 2008 या 2009 में, मतलब हिस्ट्री ऑप्शन से था वो, ठीक है ना, तो ऐसे बताना शुरू किया था सिनॉप्सिस कैसे बनाते हो, डांट भी खाता रहता था वो, तुम क्या ठीक है ना, अच्छा इस बार करके लाता हूं मैं, है ना, बट वो जुनून था, जैसे मैं ही नहीं आप भी कुछ अच्छी बात करो तो आपके पास बैठ जाएगा, ये बात करें तो उसे लगा तो सुन लेगा वो, नहीं लगा तो फिर चला भी जाएगा वो सादा सम्मान और ठीक है बस मैं जा रहा हूं, उसे लगा काम की बात है तो ठीक है, नहीं लगा काम की बात है तो फिर उससे मतलब ठीक है सर मैं जा रहा हूं, सम्मान में कोई कमी नहीं बट कोई भी टाइम अपना वो, ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल है, तो मुझे वो एग्जाम बच्ची का एग्जाम्पल याद आ गया कि भाई एंगेजमेंट या शादी मतलब ठीक है वो आ गई थी वो, और क्वालिफाई करने के बाद उसने मुझे बताया मतलब कि सर ऐसी सी बात रही है मतलब, है ना, और जो भी मतलब तो ऐसे लोग भी हैं मतलब कि ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल है, मतलब एक अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री से पीएचडी रही हैं, आई होप कि वो भी बहुत सीनियर कमिश्नर रैंक पे होगी कहीं पे, मतलब ये सब पहले दूसरे बैच के स्टूडेंट हैं, उनको ट्यूमर था और बहुत ही मतलब वो दुबली पतली सी थी और ठीक है जैसे भी हो मतलब बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड केस था मतलब उनका, ठीक है ना, और एम्स में उनका इलाज अलग चलता था मतलब, और वो योग से मतलब अपने आप को क्योर योग से करने में सफल रही वो, मतलब मेडिकल उसको छोड़ा उन्होंने मतलब, ठीक है ना, बहुत कुछ ऐसी जगह था कि मैं नहीं ले सकता हूँ नाम अभी बस वैसे ही, ठीक है ना, और मतलब वो शेयर करती थी मतलब, वो भी जब भी कभी बहुत परेशान रहती थी तो, और मुझे वो एग्जाम्पल याद है कि वो करते करते वो भी क्वालिफाई की मतलब, है ना, अभी वो भी मुझे लगता है एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर रैंक पे कहीं होगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूं नहीं इसलिए मुझे पता नहीं चलता किसी के बारे में, कहीं पे भी हूं नहीं इसलिए कोई ना तो सर्च मैं कर पाता हूँ ना वो कर पाते होंगे मुझे कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल है मतलब, वो क्वालिफाई करने के बाद उसने भी नहीं उसने पहले शेयर कर दिया था मुझे, बहुत परेशान दिखती थी तो मैं पूछा क्या बात है, तो हेल्थ मतलब कोई और इश्यू होंगे मतलब कभी, तो बोला नहीं भैया हेल्थ इश्यू है बहुत, ठीक है, तो ऐसे लोग भी है मतलब कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है, मतलब वो एक अलग तनाव चल रहा है और तैयारी का अलग तनाव, मतलब इसलिए अपने हर तरह के लोगों को देखा है, मतलब तभी मैं आश्वस्त रहता हूं कि आप में यदि पैशन है, जिसमें पैशन है वो तो करेगा, दूसरों को बस नहीं देखना है कि आपका पड़ोसी क्या है, क्लास में ज्यादा सवाल पूछे तो ज्यादा टैलेंटेड है क्या, मतलब ये सब मन में मत रखिएगा, ठीक है, अपनी तैयारी हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं, हम कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, हमें क्या सुधार करने की जरूरत है, हम टेस्ट दे रहे हैं तो क्या मिस कर जा रहे हैं हम, ठीक है, और एकदम से जुनून रहना चाहिए पढ़ाई का भाई, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि जैसे कोई काम का आपको पैशन हो ना समझो, बस 1.5-2 साल के लिए पढ़ाई को अपना पैशन बना लो, हर हालत में इंटरव्यू दोगे मतलब कोई शक नहीं है, वो पैशन ना कोई बनाकर रख ही नहीं पाता है लंबे समय तक, क्लास के साथ रहता है, कई बार हमने देखा बहुत अच्छे स्टूडेंट क्लास के साथ मोमेंटम बना हुआ, क्लास खत्म होती है उनका मोमेंटम टूट जाता है, क्लास में तो रोज टारगेट मिल रहा है आप करते जा रहे करते जा रहे, क्लास खत्म होने के बाद एकदम वैक्यूम सा क्रिएट होता है,
बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं अभी, लक्ष्य करके हम लोगों ने एक प्लान शुरू किया है अभी, आई होप, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है बट ऐसा मुझे जानकारी अभी मिली है मतलब अपने अंदर से, कि अपने कोचिंग के अंदर से मतलब जो 2-3 साल के अपने स्टूडेंट्स थे जो संपर्क में थे अपनी कोचिंग में, उसमें से 23-24 स्टूडेंट अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। हमने अलग से टारगेटेड प्लान शुरू किया था, मतलब इस साल की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट संपर्क में नहीं भी होंगे, मतलब अभी IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हमने कहा था कभी आपको ना, समय की बात है कि मतलब वो टर्न हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने एक लक्ष्य करके कार्यक्रम शुरू किया हमने, या और कुछ और प्रोग्राम वगैरह हमने, ताकि एक मोमेंटम बना के रखते हैं स्टूडेंट का अपना, जो उनका मोमेंटम टूट जाता है क्लास के बाद, उनको हम एंगेज किए रहे, टारगेट देते रहे उनको हम, बस वो टारगेट को पकड़ के आगे बढ़ते रहे। तो कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है, देखिए स्टूडेंट के समय मतलब लगता है कि हाँ बड़ी चीज है, बट एक समय के बाद रियलाइज हो जाता है कि नहीं इतनी बड़ी चीज तो नहीं है, मतलब तैयारी के दिनों में ही आपको बस रियलाइज होना चाहिए, अटेम्प्ट खत्म होने के बाद तो सबको रियलाइज हो ही जाता है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस उसी के साथ आपको समझ में आ जाए और आप उसको, तो अभी इस बार हम लोग होप कर रहे हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट हमें मतलब, ठीक है, तो ये सब भी है मतलब। अभी परसों किसी से बात हो रही थी कोचिंग के अंदर ही, तो हमने ऐसे रिजल्ट पूछा कि भाई कुछ जानकारी मेरे पास आई है, मतलब 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया पर्सनल लेवल पे किसी बात के, जाते जाते कोई नंबर वगैरह ले लेता है कभी कि सर नंबर दे दीजिए कभी आप, उसी में 2 स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, दोनों राजस्थान का ही है, ठीक है, संजोग से, और कि सर हम दे रहे हैं इंटरव्यू, और वो लक्ष्य का पार्ट नहीं है अपना, वो जो भी इंटरव्यू की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब ऐसा है नहीं कि नहीं, मतलब होगा ही होगा, मतलब क्योंकि हम लोग भी यहाँ रहे हैं ना, तो वो तो एक प्रोसेस हमने आपको समझा दिया था बीच में, देखो इन इन कारणों से रिजल्ट, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से, बट अब एक रिदम सेट है, थोड़ा बहुत कोविड ने फ्लो को तोड़ा जरूर है, बस अपना अपना जिद करिए और आप, ठीक है, एक बार रिजल्ट का जहां होना शुरू हुआ, पूरा का पूरा मोमेंटम जो है, अच्छे रैंक आने शुरू हुए, रिजल्ट तो हो ही रहे, कुछ ना कुछ मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, होगा ही होगा। तो हम लोग अभी समय बात कर रहे हैं गुप्त युगीन समाज, राजनीति पे बात हो गई है, लिखें आप अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था में भी जो मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था है उसकी तुलना में थोड़े आपको गिरावट के ही संकेत मिलेंगे आपको इस काल में। ऐसा नहीं कि चीजें बहुत मतलब नकारात्मक हैं, बट थोड़े थोड़े गिरावट के संकेत हमें, जैसे अब तांबे के सिक्के के कम से कम साक्ष्य मिलते हैं, जो बताता है कि आम लेन देन में चांदी वैसे ही कम सिक्के मिलते हैं अपने यहां पे, सोने के सिक्कों का प्रयोग या तो आप धन संग्रह में करेंगे या बड़े लेन देन में करेंगे आप, ठीक है, तो सोने के सिक्के तो बड़ी संख्या में मिलेंगे गुप्त काल में, है ना। और जो रोमन ट्रेड जो था उसमें भी गिरावट, गुप्त काल के अंत तक रोमन ट्रेड में भी गिरावट के संकेत मिलने लगते हैं, ठीक है, शहरों की जो संख्या है उसमें भी थोड़े बहुत गिरावट के संकेत, फाहयान वेनसांग के वर्णन से, तो गुप्त काल में थोड़ा एक ट्रेंड ऐसा दिखेगा हमें, शिल्पों की संख्या में भी थोड़े बहुत गिरावट, हाँ खेती का प्रसार होगा भूमिदान के कारण, ठीक है, वो एक है इसका एक सकारात्मक ट्रेंड, ठीक है, एकदम से बहुत ऐसा नहीं था कि अर्थव्यवस्था बहुत, ठीक है, लेकिन चूंकि आप स्वायत्त व्यवस्था है, भूमिदान आप दे रहे हैं, है ना, मतलब जहां आप किसी को दान ही कर दे रहे हैं वहां पैसे की जरूरत तो है नहीं भाई, वहां से रेवेन्यू तुम ले लिया करो, ठीक है, तो जो रेवेन्यू लेगा राज्य को, जिसको सपोर्ट कर रहा है, वहां की पूरी व्यवस्था वो देखने लगेगा, तो कुछ कुछ ट्रेंड बदल रहे हैं, लेकिन आप जरा, पहला पॉइंट, लिखें कि गुप्त काल में भूमिदान के कारण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कृषि संबंधी ज्ञान का प्रसार,
तो जैसे कौन सी फसल बोइए, किस मौसम में खेती करिए, कब बारिश ज्यादा होती है, कम होती है ना, कृषि संबंधी उपकरण, यदि दूर दराज के इलाके में कोई जा रहा है वो, ठीक है, तो उन सब ज्ञान के साथ ज्यादातर ब्राह्मणों को धार्मिक उद्देश्यों से दान दिया गया तो जा रहा है वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे आप, देखिए गुप्त काल के अंतिम चरण में बाह्य व्यापार एवं शिल्पों में भी गिरावट के संकेत, बाह्य व्यापार एवं शिल्पों में भी गिरावट के संकेत, कौमा देखे लिखे, 6वीं सदी के मध्य तक रोम के साथ व्यापार में गिरावट, होता क्या है, रोम के लोग ना रेशम बनाना सीख गए थे, तो रेशम का एक अच्छा खासा कारोबार था भारत में भी, वो सब काम उनका डिक्लाइन की तरफ, दूसरे काम करने लगे, ऐसे उल्लेख ही मिलते हैं। बट है विदेश व्यापार एशिया के साथ, पूर्वी अफ्रीका के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, श्रीलंका वगैरह, ऐसा नहीं कि एकदम से व्यापार। आगे लिखें आप, व्यापार एवं शिल्प में गिरावट का प्रभाव सिक्कों पर भी देखा जा सकता है। देखिए आम लेन देन में प्रचलित तांबों के सिक्कों आम लेन देन में प्रचलित तांबों के सिक्के सिक्कों के कम साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन फाहयान ने कौड़ियों के प्रचलन का उल्लेख किया है। जो समुद्र वगैरह में, नदियों में जो कौड़ियां पाई जाती हैं, फायान ने उसका उल्लेख किया कि लोग लेन देन में उसका यूज करते थे। कम सिक्के मिलने का मतलब हो कि राज्य जारी नहीं कर रहा है, या अब लोग अपने हिसाब से बार्टर, थोड़ा बहुत राज्य की पकड़ कमजोर हो रही है। एक विदेशी यात्री जब इस तरह का बात का उल्लेख करता है, तांबे के सिक्के वैसे भी कम मिलते हैं, तो दोनों इस तरह से जुड़ जाती हैं बातें। आगे लिखें, हालांकि प्राचीन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने ही जारी किए, और इन सिक्कों को कलात्मक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी में लिखें, सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति, जैसे शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, कौमा विभिन्न पशुओं की आकृति, जैसे अश्व, गज, व्याघ्र यानी बाघ, अश्व, गज, व्याघ्र, बाघ, गैंडा तथा शासकों की आकृति को अत्यंत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। देखिए, जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ब्रैकेट में लिखें आप, अश्वमेध यज्ञ करते हुए भी, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करते हुए भी समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। और गुप्तों के ना चांदी के भी सिक्के मिलते हैं, ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र पे जब प्रभावती गुप्त का प्रभाव हुआ होगा उसके बाद ही चांदी के सिक्के जारी किए गए होंगे। हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं ना, मुझे नहीं बताना है ना वो राजा रानी प्रकार, मैं इतना क्यों बताऊंगा, व्याघ्र हनन प्रकार बताना है क्या, नहीं बताना है ना, तब हनन तो हमने छोड़ ही दिया, प्रकार हमने उसी को क्या किया दूसरे तरीके से फोल्ड करके, ठीक है, उसको हमने दूसरे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है तो सिक्कों से संबंधित कुछ जानकारी हो गई आपकी, है ना, ये कला का पक्ष हो गया बेसिकली जो लिखा है ना हमने आपको, ये एक पैराग्राफ, ये इकोनॉमी से ज्यादा कला से जुड़ा हुआ है। एक और पॉइंट लिखें, गुप्त काल के अंतिम चरण में, शहरों के पतन के भी संकेत मिलने लगते हैं। तो हमने इस तरह की बात इसलिए की ना कि ये सारे फीचर हमें गुप्तोत्तर काल में और पूर्व मध्य काल में यही दिखेंगे अब, तो एक ही बेस जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वही अगले काल में भी ये थोड़ा और नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखेगा, और अगले काल में थोड़ा और नीचे की तरफ बंद अर्थव्यवस्था की तरफ, तो इकोनॉमी इसी पे बेस होगा आगे के दोनों काल का, ठीक है। राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, अब आप लिखें आप संस्कृति के में सबसे पहले लिखें आप कला, लिखते हैं हम कला और कला में स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, लिखने में आप हमेशा अन्य का भी प्रयोग करेंगे जब भी कला पूछा जाएगा, ठीक है, संगीत, नृत्य, जैसे वीणा बजा रहा है वो, है ना, तो वाद्य यंत्र के रूप में वीणा का प्रचलन, हड़प्पा काल में भी ढोलक और वीणा का प्रचलन था, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है ना, तो प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में है हमारा ढोलक और वीणा,
स्थापत्य में मुख्यतः वैसे है तो मंदिर स्थापत्य की बात होगी यहाँ पे, लेकिन कुछ स्तूप भी बन रहे हैं, स्तूप, विहार और मंदिर। चित्रकला में अजंता और बाघ की चित्रकला, बाघ की गुफाएं हैं। पहले आप लिख लीजिए आप स्थापत्य एक बार। स्थापत्य में पहला पॉइंट लिखें स्तूप, लिखें स्तूप के बारे में दो तीन बातें कि गुप्त काल में स्तूप निर्माण की परंपरा जारी रही। जारी रही जैसे सारनाथ का धामिक स्तूप, सारनाथ का धामिक स्तूप, और राजगृह में जरासंध की बैठक, जरासंध की बैठक नामक स्तूप। धामिक मतलब जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इससे वो नाम पड़ गया है। और राजगृह वाले स्तूप को लगता था जरासंध बहुत पावरफुल एक योद्धा रहा है ना, महाभारत का एक जाना माना पात्र है जरासंध, शक्तिशाली काफी था। तो भाई ठीक है, वो बैठता होगा तो लोग लोकल भाषा में ये जरासंध की बैठक, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया गया उसे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल मिलता है। अगला पॉइंट लिखिए आप, पूर्ववर्ती काल की तुलना में कम स्तूपों का निर्माण, कम स्तूपों का निर्माण तथा कलात्मक दृष्टिकोण से, कलात्मक दृष्टिकोण से ह्रास के संकेत मिलते हैं। कलात्मक दृष्टिकोण से ह्रास के संकेत मिलते हैं। लेकिन जैसे अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर स्तूपों का निर्माण, अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर स्तूपों का, तुम सबसे नजदीक हो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है, पीछे से किसी ने बोला ही नहीं, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं अनिल? तुम कान, तुम्हें दिखाना पड़ेगा अपना, है ना। लिखो। कलात्मक दृष्टिकोण से ह्रास के संकेत जैसे अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर स्तूपों का निर्माण, कौमा, पक्की ईंटों से स्तूपों का निर्माण। ठीक है, पत्थर का यूज जैसे नहीं हो रहा है ना, तो ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो माना जाता है कि भाई गुप्त शासकों के समय निर्माण, निर्माण तो देखो लोग करते होंगे, है ना, शासकों के द्वारा तो हिंदू धर्म को या मंदिरों को अधिक मतलब प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन जैसा हमने कहा ना, हर काल में सहिष्णुता, टकराव के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे आपको। लोग अपने अपने विश्वास को मानने की आजादी,
संविधान में तो बाद में लिखा गया ना कि सबको अपने अपने विश्वास को मानने की आजादी है। जब अंग्रेजों का दौर आया कि ये तुम्हारा विश्वास है मेरा विश्वास, भारत में तो हमेशा से सब अपने अपने विश्वास को मानते हुए चले आ रहे हैं। बिहार का एग्जाम्पल लिखो आप, बिहार लेकिन गुप्त काल में महाराष्ट्र के अजंता एवं मध्य प्रदेश के उदयगिरी पहाड़ियों में विहारों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसे मैं लिखो अजंता से बौद्ध विहारों का साक्ष्य, तथा उदयगिरी से ब्राह्मण धर्म से संबंधित विहारों के साक्ष्य। एक उड़ीसा में भी उदयगिरी पहाड़ी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक और लिख लो इसमें एग्जाम्पल, बिहार में ही लिखो, गुप्त काल में ही संरचनात्मक महाविहार का उदाहरण नालंदा से, मिलता है। यानी पहाड़ों को काटकर नहीं बनाया गया है, है ना। संरचनात्मक का मतलब हो गया ईंटों से महाविहार, जहां भिक्षु रहते भी थे और वो शिक्षा का भी केंद्र। ठीक है, तो नालंदा महाविहार का निर्माण इसी काल में किया गया था। ठीक है, लिखो आप जरा नेक्स्ट, मंदिर स्थापत्य। जैसे हम क्या देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में बौद्धों का पूजा स्थल चैत्य बहुत पॉपुलर है। बौद्धों के पूजा स्थल के रूप में चैत्य बहुत है। आप देखोगे जैन धर्म से संबंधित भी विहारों के साक्ष्य बड़ी संख्या में मिलेंगे, बड़े बड़े विहार। बट मौर्योत्तर काल तक यदि हम स्थापत्य की बात करें हम, तो हिंदू धर्म से संबंधित स्थापत्य आपको कोई प्रभावी दिखाई नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित स्थापत्य कोई प्रभावी रूप में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक, कुछ कुछ मंदिरों के साथ ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि पहला मंदिर कहां बना। कभी कोई कहता है गया में, कोई कहता है नागार्जुन कुंड में, कोई कहता है सांची में। इसके पक्के प्रमाण नहीं कह सकते हम कि पहला मंदिर किसको माना जाए। मिलते तो हैं साक्ष्य, मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ साथ आस्था के केंद्र के रूप में आप देखोगे वेदी बना करके, ठीक है, वेदी जहां यज्ञ वगैरह करते हो या कोई ऊंची जगह पे कोई मूर्ति वगैरह रख दी, उसको पूजा करने की परंपरा मौर्योत्तर काल में तो कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। थोड़े ऊंचे ऊंचे वेदिका के पूजा के भी साक्ष्य में मिलते हैं, जहां पूजा कर रहे हैं उसके चारों तरफ लकड़ी से या बांस वगैरह से सुरक्षा घेरा, मतलब सार्वजनिक पूजा स्थल की जानकारी मिलती है मौर्योत्तर काल में। आप कभी कभी देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में एक चौरा सा बना होता है जहां तुलसी जी का पौधा जो है उसके ऊपर, ठीक है, तो उस तरह की जो वेदिका है या चौरस है उस तरह के भी साक्ष्य मिलते हैं हमें।
आम जन में जो परंपरा होती है तो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है ना। इतिहास में ज्यादातर इतिहास तो हम खास खास बातों का ही पढ़ रहे होते हैं, किसी भी दौर में खास लोगों की बात तो पढ़ रहे हैं ना इतिहास में हम। ठीक है, लेकिन जैसा हमने कहा कि पहला किसको माना जाए इसको अभी दावे से नहीं कह सकते हम, और अस्थापत्य के दृष्टिकोण से कोई बहुत आकर्षक हमें दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। बट गुप्त काल में भी ग्रेजुअल ही इवॉल्व होगा, गुप्तों का शासन भी लगभग मान के चलो 200 साल तो रहा ही, 275 से 550, पौने 200 साल तो शासन था ही गुप्तों का भी। ठीक है, तो इस काल में ग्रेजुअली और धीरे धीरे एक ऐसा दौर आता है, देवघर में दशावतार मंदिर है, ठीक है, वहां पे मतलब मंदिर स्थापित, उत्तर भारत के मंदिरों से जुड़ी हुई सारी विशेषताएं आपको दिख जाएंगी। सामान्य विशेषताएं क्या होती है मंदिरों की बात करें हम, तो एक प्लेटफॉर्म पे ऊंचाई पे मंदिरों का निर्माण होता है, चबूतरे पर। चबूतरे को आप जगती, अधिष्ठान ऐसे करके प्लेटफॉर्म जो भी, जहां मंदिर बनता है आप देखोगे जब ऊंचाई पे होगा तो मंदिर में जाना है तो ऑब्वियस है आप सीढ़ियां बनाई जाएंगी ताकि आप चढ़ के जा पाए। नॉर्मली जो कोई मंदिर होता है सामान्य मंदिर देखोगे तो एक भवन हो गया वहां पे, है ना, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, ठीक है, जहां मुख्य देवता की मूर्ति जो है स्थापित होती है। ठीक है, प्रवेश द्वार, मंदिरों में प्रवेश द्वार जहां से आप प्रवेश करेंगे वहां पे भी कुछ ना कुछ अलंकरण वगैरह मिल जाएंगे आपको, अक्सर शंख का, कमल का, गंगा यमुना स्नान को बड़ा पवित्र माना गया है ना। और जो जहां मूर्ति रखी हुई देवता की वहां प्रवेश करते हैं आप, तो देवता के चारों तरफ परिक्रमा या फिर मंदिर के दीवारों के चारों तरफ परिक्रमा, एक प्रदक्षिणा का भी। शुरू में जो छत होती थी वो सपाट होती थी मंदिरों में उत्तर भारत में, फिर वो एक रेखीय जैसे शिखर की तरह टावर जो होता है मतलब, ठीक है, जो आज मंदिरों में हम देखते हैं टावर जैसा जो बना होता है ना, वो शिखर बनना शुरू होगा, उसे मतलब शिखर शैली भी कहा गया गुप्त काल में, बनना गुप्त काल में ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऊपर एक डिस जैसा, कमल की आकृति जैसा एक धातु रखा रहता है वो गोल गोलाकार में, वो उसे अमलक कहते हैं, उसके ऊपर कलश होता है, जल का एक महत्व है, कमल का अपना एक धार्मिक महत्व है ना। तो आस्था के केंद्र के रूप में धीरे धीरे मंदिरों का विकास हिंदू समाज में हुआ। ठीक है, और मंदिरों की जो कल्पना की गई है वो शरीर की तरह कल्पना की गई है। ठीक है, जैसे मतलब अलग अलग हिस्सा, जैसे आप चबूतरे तक का जो हिस्सा माना गया है वो एक तरह से थाई शरीर का जो हिस्सा है, मतलब शरीर की तरह कल्पना की गई है ऐसे देखा जाए तो। उधर का जो हिस्सा है वो गर्भगृह माना जाता है ना। थोड़ा ऊपर की तरफ आए हिस्सा तो शिखर का हिस्सा हो जाता है, ऊपर चले जाए तो अमलक और कलश का हिस्सा हो जाता है। एक तरह से शरीर या जीवन की प्रतिकृति बनाने की कोशिश की गई उसे मंदिरों को। समय के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीजें मंदिरों में जुड़ती चली जाएंगी। गुप्त काल में ही एक पंचायतन शैली का मंदिर उभर कर आएगा, एक मुख्य देवता के मंदिर होंगे और चार और भी उसमें सहयोगी देवता के मंदिर होंगे, पांच मंदिर बनेंगे। इसके साथ साथ समूहों में मंदिर बनने लग जाएंगे, पूर्व मध्य काल में बड़ी संख्या में मंदिर बनेंगे एक जगह। और मंदिर निर्माण की बहुत सारी क्षेत्रीय शैलियां भी, जैसे खजुराहो शैली, उड़िया शैली, सोलंकी या गुजरात की शैली, ऐसे करके बहुत सारी शैलियां उभर कर सामने आएंगी। इन सबको नागर शैली कहा गया है। महाराष्ट्र आंध्र वाले इलाके में जो शैली उभर कर आई उसे बेसर शैली कहा गया है। कृष्णा नदी के दक्षिण में जो शैली उभर कर आई उसे द्रविड़ शैली कहा गया है। ठीक है, और मंदिरों के निर्माण पे भी तांत्रिक संप्रदाय वगैरह का प्रभाव आपको अच्छा खासा दिखेगा पूर्व मध्य काल में, है ना। तो गुप्त काल और पूर्व मध्य काल जो है मंदिर स्थापत्य के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों में, मुख्य परीक्षा में तो प्रश्न नहीं आया अभी तक, प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है यहां से।
और मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं कोई, ठीक है। तो जरा एक बार हम लोग लिखते भी जाएंगे, इसको समझते भी जाएंगे हम लोग, है ना। लिखिए आप जरा मंदिर स्थापत, लिखे मौर्योत्तर काल में मंदिरों के भौतिक साक्ष्य तो मिलने लगते हैं, भौतिक साक्ष्य तो मिलने लगते हैं, लेकिन स्थापत्य के दृष्टिकोण से ये उतने आकर्षक नहीं है। ठीक है, स्थापत्य के दृष्टिकोण से ये उतने आकर्षक नहीं है। लिखें अगला पॉइंट, गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य का क्रमशः विकास हुआ, और उत्तर भारत में मंदिरों की संरचना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं इस काल में उभर कर सामने आया, ठीक है। एक बार लिख लीजिए आप जरा, नेक्स्ट पॉइंट कि संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं, पॉइंट्स में लिख लीजिएगा आप, या एरो देते हुए, है ना, जैसे जगती या अधिष्ठान, या चबूतरे पर मंदिर का निर्माण, कोई भी एक मंदिर को ना, आजकल के भी मंदिर को बस ढंग से कभी देख लीजिएगा, कोई भी आर्किटेक्चर जब पढ़ते हैं आप, एक नजर आप उसे ठीक है दौड़ा लीजिएगा। देखो सीढ़ियां, मंडप या अर्ध मंडप, मंडप जहां लोग एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं, या अर्ध मंडप, ठीक है, पिलर बना होता है प्रायः, जब मंदिर में प्रवेश करने के पहले जो हिस्सा होता है जो बना होता है उसे हम मंडप या अर्ध मंडप, है ना। लिखें गर्भगृह, जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, है ना। लिखे प्रवेश द्वार, पर गंगा यमुना की आकृति,
तथा कलश कमल इत्यादि के द्वारा अलंकरण। ठीक है, मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होता है। अगला लिखें आप, प्रारंभ में छतें सपाट होती थी, प्रारंभ में छतें सपाट होती थी, ठीक है, सपाट होती थी। आगे चलकर शिखर का निर्माण, शिखर का निर्माण। आगे लिखें आप, शिखर के शीर्ष पर अमलक एवं कलश, अमलक जो है एक थाली के शेप का होगा, कमल की आकृति में बना हुआ होता है, ठीक है, और उसके ऊपर कलश आपको दिख जाएंगे। लिखें एक और पॉइंट, गुप्त काल में ही पंचायतन शैली में भी मंदिरों का निर्माण प्रारंभ, पंचायतन शैली में भी मंदिरों का निर्माण प्रारंभ। इसे मैं लिखे मुख्य देवता के साथ साथ चार सहयोगी देवताओं के लिए, चार सहयोगी देवताओं के लिए मंदिर। जैसे कोई मुख्य देवता मान लो शिव मंदिर है, तो चार जो एक तरफ कार्तिकेय हैं या गणेश हैं, मतलब ऐसे करके, ठीक है, नंदी है, ऐसे करके वो चार मंदिर, साथ में पार्वती हैं, मतलब बॉस हो गए वो, महादेव वैसे भी हैं वो, है ना, ठीक है, और चार अलग अलग, तो पांच मंदिरों की कल्पना। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि समाज में, ठीक है, इस तरह की जो चीजें थी वो सामाजिक संबंधों को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो देवताओं का भी वर्गीकरण वैसे किया गया है ना। ये सामान्य विशेषताएं आपको गुप्तकालीन मंदिरों में दिखाई पड़ेंगी या उत्तर भारत के मंदिरों में दिखाई पड़ेंगी। गुप्त काल के बाद ये सारी विशेषताएं और विशाल आकार में अलंकरण के साथ और कुछ क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ, ये सब तो रहना ही रहना है, कुछ कुछ नई नई बातें इसमें जुड़ जाएंगी, वो नागर शैली कहलाएगा। गुप्तकालीन मंदिरों को शिखर शैली कहते हैं। नागर शैली में हम बात करेंगे, तीन टाइप ऑफ शिखर की बात हो जाएगी, प्रदक्षिणापथ के भी अलग अलग टाइप का उल्लेख उसमें मिलेगा, तो वो जब अगले राउंड में आऊंगा मैं भी, तो क्या क्या चेंजेस और इसमें दिखाई पड़ता है वो सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसी में लिखें आप, गुप्तकालीन मंदिरों कुछ प्रमुख मंदिरों के उदाहरण, कुछ प्रमुख मंदिरों के उदाहरण। एक तरफ ना प्लेस लिखते जाना, टिगवा, एरन, उदयगिरी, ठीक है, उदयगिरी, झांसी जो अब ललितपुर में वैसे, ठीक है, टिगवा, एरन, उदयगिरी, झांसी, नाम लिख लीजिएगा आप, है ना, भूमरा, नचना कुठार, सिरपुर, भीतर गांव, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं।
ठीक है, गुप्तकालीन तिगवा में विष्णु मंदिर, ये तिगवा ये आपका सब ये पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, विष्णु मंदिर, एरन में भी आपका विष्णु मंदिर है, उदयगिरी में वराह विष्णु का जो अवतार है, एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा था कुछ क्रम मिलाने के लिए, उसमें वराह मंदिर कहाँ है तो उदयगिरी लिखा हुआ था ऑप्शन में वहां, ठीक है, 10 वर्षों के भीतर ही पूछा गया था। झांसी में दशावतार मंदिर है, विष्णु मंदिर हो गया ये भी, ठीक है, इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है गुप्तकालीन मंदिरों में, ठीक है, शिखर का साक्ष्य सबसे पहले यही मिलेगा आपको, पंचायतन शैली में भी है ये, दशावतार मंदिर मतलब गुप्त के मंदिरों में सबसे, ठीक है, कई जगह ललितपुर लिखा रहता है, झांसी से कटके डिस्ट्रिक्ट बना है ललितपुर, हाँ ठीक है, बट झांसी पुराने किताबों में जैसे डिस्ट्रिक्ट तो बनते रहते हैं ना, मतलब नए नए जिले तो बनते रहते हैं, ठीक है, भूमरा जो है आपका ये भी मध्य प्रदेश में ही है, बट भूमरा में शिव मंदिर है, नचना कुठार में पार्वती मंदिर है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है, और भितरगांव में भी शिव मंदिर है, भूमरा और नचना कुठार भी आपका मध्य प्रदेश में है, सिरपुर आपका आप छत्तीसगढ़ में आ गया है, मध्य प्रदेश कर सकते हैं, भीतरगांव आपका कानपुर यानी यूपी, ठीक है, नाम आपको ध्यान रखने पड़ सकते हैं कभी, है ना, तो यही सारी विशेषताएं अब हम देखेंगे अगले काल में भी, जब क्या क्या चेंजेस इसमें आएगा। ये हो गया स्थापत्य में स्तूप विहार और मंदिर, आप इसमें भी एक डायग्राम बना सकते हैं, मतलब जब आप बनाना चाहें मंदिरों में भी, जैसे आप एक आपने बता दिया कि भाई चबूतरे पे हाई उस पे जो है मंदिरों का निर्माण, ठीक है, शिखर ऊपर एक अमलक, ठीक है, ऊपर एक कलश, है ना, इस तरह करके आप बना सकते हैं, यहाँ प्रवेश द्वार, ठीक है, यहाँ पे जो है आप देखोगे मंडप, ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस है सीढ़ियां बनी रहती हैं चढ़ने के लिए, है ना, मंडप हो गया, प्रवेश द्वार हो गया, शिखर इस तरह से जो रेखीय बना होता है ना, तो एक छोटा सा डायग्राम इसमें भी आप, ये हो गया आपका कलश, ये हो गया आपका अमलक, ये है आपका शिखर, ये है आपका गर्भगृह, ये है आपका जगती, ये है आपका मंडप, ठीक है, तो आप एक मतलब डायग्राम खींचना है, जैसे जब भी मौका मिले आर्ट वगैरह में जहां पॉसिबल है वहां एक डायग्राम से हम खींच लेंगे उसे हम, ठीक है, इधर कर दें इसको, कहां पे मंडप, ये सीढ़ियां यहां बनेंगी, सीढ़ियों से चढ़ेंगे मंडप पे आएंगे, फिर प्रवेश द्वार होगा, है ना, ठीक है, एक मंदिर की कल्पना कर लेनी है आपको कि हाँ ऐसे है ऐसे है, इवन अभी मध्यकाल में मस्जिद है, फिर गुरुद्वारा है, सब तो है ही, मतलब आपको बस एक बार साइट्स देख लेना है एक बार, ठीक है, देखो आपसे आर्किटेक्ट बनने की तो उम्मीद है नहीं कि आपको मंदिर बनाना है, कितने कोण में बनाना है, क्या ध्यान रखना है, घंटा किस धातु का बनेगा, मतलब हंसने का मतलब ये नहीं कि मतलब उस व्यंग्यात्मक लहजे, मतलब कौन कौन से अष्ट धातु होंगे, तांबा होगा, उसका साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, जैसे घंटियां जो होती है मंदिरों में, है ना, मतलब उसका जो आवाज होता है उससे आसपास जो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, मतलब
है साइंटिफिक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब हम लोग समय के साथ रिचुअल्स ले लेते हैं उसे, और हर छोटी छोटी बातों की जानकारी हमें भी नहीं रहती है, बट जितनी भी हमें आइडिया है उसमें हमने देखा कि हर चीजों का एक, मतलब जो भी बनाया जाता है उसके पीछे एक वास्तु है, एक सोच है। आखिर क्या होता है किसी भी पूजा स्थल पर जब हम जाते हैं तो एकदम से मूड पूरा चेंज हो जाता है, हम कितने भी परेशान हों। ठीक है, वास्तु का तो इम्पैक्ट होता ही होता है, वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की जाती है, कुछ धातु वगैरह ऐसे बनाए जाते हैं वहां पे, आप देखोगे आप उसके इम्पैक्ट से भी, मतलब ठीक है। ये एक सच है, मतलब कहीं भी जाए आप, जैसे गुरुद्वारे वगैरह में हमने देखा है, मतलब कभी कभी जाना हमारा भी खाली वक्त में हुआ है, तो वो वाइट का जो कॉन्सेप्ट है वहां का, और साफ सफाई जाते ही एकदम से लगेगा जैसे आप, ठीक है, एक चेंज सा हो गया। मतलब तो बहुत सारे रीजन माने जाते हैं मंदिरों के पीछे, जैसे कि बहुत सारे लोग साधक होते हैं जो वहां सही अर्थों में मतलब साधना करते हैं, लोग वहां जाते ही अच्छे मन से, पॉजिटिव, नेगेटिव मन से भी लोग जाते होंगे पूजा स्थल पे, बट लोग जाते ही पॉजिटिव। तो कहा जाता है जहां आप सब पॉजिटिव वाइब से हो तो वहां का वैसे ही वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, तो लोगों ने ऐसी जगह बनाई है। प्लस मकसद क्या होता है इसके पीछे, कोई मिलने जुलने की जगह हो जहां समाज के लोग एकत्रित हो पाए, कल्चरल एक्टिविटी हो, कोई सामाजिक निर्णय हो, कोई भी धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं तो उसके पीछे समाज संस्कृति के को लेकर एक व्यापक उद्देश्य होता है उसका, महज पूजा पाठी केवल एक उद्देश्य नहीं होता है उसका, उसी के माध्यम से समाज बंधता भी है, हर पूजा स्थल के साथ ही होता है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, छोटा ही होगा ब्रेक, 10 मिनट के पहले ही मैं क्लास ज्वाइन कर लूंगा, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी गुप्तकालीन स्थापत्य, अभी बात करते हैं हम लोग चित्रकला। चित्रकला में हम सबसे पहले हम अजंता की बात लेते हैं, है ना। शीर्षक दीजिए आप, लिखें आप गुप्त युगीन चित्रकला। गुप्त युगीन चित्रकला, अजंता और बाघ, देखें आप अजंता हाँ अजंता के बारे में लिखें आप कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित कौमा देकर लिखें कि यहां से हीनयानी एवं महायानी विहार महायानी विहार कौमा चैत्य हीनयानी एवं महायानी विहार चैत्य कौमा मूर्तिकला एवं चित्रकला के साक्ष मिलते हैं। ठीक है, मूर्तिकला एवं चित्रकला के साक्ष मिलते हैं। ठीक है, तो जहां महायानी होगा ना चैत्य, वहां पे मूर्तियां आ जाएंगी। तो अजंता की जब बात करते हैं ना, अजंता जो है प्राचीन भारतीय कला या प्राचीन भारतीय बौद्ध कला का एक प्रतिनिधि स्थल है। तो वहां पे आपको विहार भी मिल रहे हैं, वहां चैत्य भी मिल रहे हैं, चैत्य मिलेंगे तो उसमें स्तूप भी मिलेंगे आपको। ठीक है, जहां महायानी चैत्य है या विहार है वहां मूर्तियां भी मिलेंगी आपको, और वहां गुफाओं के दीवारों पर
छतों पर चित्रकला के भी साक्ष्य, यानी कला के अलग अलग रूपों की जानकारी हमें वहां से, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला तीनों के प्रमाण मिलते हैं हमें। इसलिए अपने परिचय में यह बताया आपको कि कभी अजंता कला करके ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखें, कलात्मक महत्व के कारण ही, इसी में लिखिए, कलात्मक महत्व के कारण ही यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। ठीक है, विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। अब इसी में हम लेते हैं, फिर अब चित्रकला की बात करते हैं। देखिए, अजंता के विभिन्न गुफाओं से अजंता के विभिन्न गुफाओं से चित्रों के जो साक्ष्य मिलते हैं, उसका संबंध 2nd century BC से सेवेंथ सेंचुरी AD तक का माना जाता है। 7th century AD या 7वीं सदी ईस्वी तक का माना जाता है। वहां अलग अलग गुफाएं हैं, 29-30 गुफाएं हैं अजंता की पहाड़ियों में। गुफा संख्या वगैरह कभी याद मत करिए, गुफा संख्या इसमें इतना है, वो रहेगा नहीं, आप मिस कर जाएंगे उसे। और फिर वो एक तरह से ऑर्डर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। कहीं भी खुदाई होती है तो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह उसका नामकरण करते हैं, इस एरिया से ये मिला, इस एरिया से ये मिला है ना, ऐसे करके। किताबों में भी प्रायः उल्लेख मिलता है, तो हम ठीक है, तो वो बहुत काम की चीज नहीं है आपकी, मतलब है ना, है ही नहीं काम की चीज, बहुत वाली बात नहीं। अब जो चित्र हमें मिलते हैं 2nd century BC या कहीं कहीं 1st century BC भी लिखा हुआ है, करीब 800-900 वर्षों के काल में अलग अलग राजवंशों का शासन रहा है महाराष्ट्र में। ये जो काल है, शुरू में सातवाहनों का है, फिर वाकटकों का है, फिर गुप्तों का भी नियंत्रण रहा, फिर वहां वातापी के चालुक्यों का नियंत्रण रहा। तो महाराष्ट्र पे अलग अलग राजवंशों का शासन रहा उस दौर में। उस काल से संबंधित पहाड़ियां हैं एकांत में स्थित, अलग थलग, भिक्षु वगैरह वहां रहते होंगे, है ना, और व्यापारियों ने ही उसको संरक्षण दिया होगा, क्योंकि किसी राजा के द्वारा बनवाए जाने का उल्लेख तो नहीं मिलता है बहुत, लेकिन राजा की जानकारी में जरूर रहा होगा। कई राज परिवार की तस्वीर वगैरह भी मिलते हैं वहां पर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। प्रारंभिक चित्रों का संबंध सातवाहन काल से माना जाता है। प्रारंभिक चित्रों का संबंध सातवाहन काल से माना जाता है। इन चित्रों में प्रकृति के विभिन्न पक्षों का चित्रण, प्रकृति के विभिन्न पक्षों का चित्रण, ठीक है, प्रकृति के विभिन्न पक्षों का चित्रण, कौमा, आम जनजीवन तथा राज परिवार से संबंधित कुछ चित्र भी मिलते हैं।
ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्रों में। आगे लिखें, लिखें अजंता से प्राप्त सर्वोत्कृष्ट चित्रों का संबंध सर्वोत्कृष्ट चित्रों में अधिकांशता का संबंध गुप्त काल से है। अधिकांशता का संबंध गुप्त काल से है और इनके विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। संबंधित है कुछ प्रमुख चित्र लिख लें आप। कुछ प्रमुख चित्र पॉइंट में लिखेंगे आप। पहला लिखें आप कि बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग है, मतलब उसका चित्र है ना। आगे लिखें आप मरणासन अवस्था में राजकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप माता एवं शिशु का चित्र, नेक्स्ट मार विजय, मार मार देवता के बारे में बताया था मैंने आपको, मार विजय। नेक्स्ट पद्म पानी अवलोकितेश्वर, पद्म पानी अवलोकितेश्वर ये एक बार यूपीएससी प्री में आ चुका है, बहुत खूबसूरत चित्र है ये। आपको याद होगा ना अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि एक प्रमुख बोधिसत्व हैं जिनका गुण दया है, महायान बौद्ध धर्म में बताया था मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप राहुल के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना, राहुल के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना। राहुल के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना, ठीक है, इत्यादि। ये कुछ फेमस चित्र हैं। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर बहुत फेमस है। एक बार पीटी में कुछ क्वेश्चन आया था, मैच वगैरह करना था, उसमें ये इसका जिक्र था। आगे लिखें आप जरा, लेकिन इन चित्रों में मानवीय भावों को इन चित्रों में मानवीय भावों को अत्यंत ही जीवंत या सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अत्यंत ही जीवंत या सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जैसे मरणासन राजकुमारी में वियोग का भाव, वियोग एवं विरह का भाव, दुख का भाव और बिछड़ने का भाव, उन भावों की बड़ी तारीफ होती है। जैसे लगता है कि बस अब वो मरने वाली हैं, दुख भी है और अब हम बिछड़ जाएंगे हम, ठीक है। तो लोग कहते हैं बहुत जीवंत, हजारों साल पुराने चित्र हैं, बट जैसे लगता है कि अभी की कोई बात हो, इस तरह का एहसास कराते हैं वो चित्र। कहना है कुछ तुम्हें? आगे लिखें आप, इसी में एक एग्जाम्पल और।
महाभिनिष्क्रमण में वैराग्य का भाव, महाभिनिष्क्रमण में वैराग्य का भाव, सब कुछ छोड़ चले हैं, छोड़ चले हैं इस महफिल से, है ना, तो उनमें बुद्ध में सब कुछ त्यागने का जो भाव है चेहरे पे, मतलब एक उस तरह के भाव उभर कर सामने आ रहे हैं। आगे लिखें आप, माता एवं शिशु में वात्सल्य भाव या बच्चों के प्रति प्रेम बहुत खूबसूरत चित्र है ये। मां जो बच्चों को प्यार करती है तो चेहरे पे लाड और प्यार होता है, भाव होता है, उस भाव को बहुत खूबसूरती से, तो एक तो रंगों के कारण कि अब तक ये चित्र नष्ट क्यों नहीं हुए, दूसरा इन भावों के कारण। अजंता जो न केवल भारतीय बल्कि दुनिया के इतिहास में एक अलग पहचान। अगला पॉइंट लिखें, देखिए इन भावों एवं रंगों की चमक के कारण न केवल भारतीय बल्कि विश्व इतिहास में अजंता का एक विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट स्थान है, आगे लिखें, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग जैसे गुलाबी, हरा, काला, पीला इत्यादि, जैसे गुलाबी, हरा, काला, पीला इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप कि एक चित्र में चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय को, चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय को फारस के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। फारस के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, फारस के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। लिखें, चित्रों के निर्माण में फ्रेस्को, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा आप, गीले प्लास्टर पर फ्रेस्को फ्रेस्को एवं टेम्पेरा सूखे प्लास्टर पर, ठीक है, सूखे प्लास्टर चित्रों के निर्माण में फ्रेस्को एवं टेम्पेरा दोनों ही विधि का प्रयोग किया गया है। दोनों ही विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
ये वर्ड है, कभी आपसे पीटी में पूछ सकता है ये क्या होता है। ठीक है, चित्रों के निर्माण में एक विधि होती है, या तो गीला करके जो पेंट बनाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, या फिर बेस सूखा तैयार किया जाता है उस पर पेंट बनाया जाता है। प्रोसेस है लंबा चौड़ा। ठीक है, आपने पहले ही कहा आपको कि कई चीजों में उसका टेक्नोलॉजी है भाई, क्या क्या यूज करोगे आप उसमें, है ना। जो खास बात है वो ये कि मान लो गुप्तकालीन चित्र हैं, या 6ठी सदी, 7वीं सदी, 1500 1600 वर्षों के बाद भी, ठीक है, चित्रों की चमक बनी हुई है, उस पर रंगों में कुछ नहीं किया गया है। तो इस पे खूब चर्चा होती है कि कैसे रंग बनाया गया होगा उस समय। ठीक है, गुफा के अंदर ही है, बट गुफा के अंदर भी आप इतने 100 वर्षों तक आपकी चमक बनी हुई है रंगों की। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन चीजों में कई ऐसी चीजें जो विलुप्त हो गई या ज्ञान हमें पता नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक रंग ही है वो, तो किस तरह से बनाया गया होगा वो। अब ये भी एक पहेली है, जैसे आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था दिल्ली में एक लौह स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय का, यदि वो मान लिया जाए तो आज की डेट में 1500 साल पुराना वो भी हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के हिसाब से देखा जाए 1600 साल कह लीजिए आप, 1600 साल में उसमें जंग नहीं लगाया आज तक। तो किस तरह से वो इस्पात बनाया गया, वो कौन सी विधि थी। ठीक है, तो ऐसे कई ऐसे ज्ञान के तत्व हैं जो सब मानते हैं कि इतना पुराना है ये, बट किसके पास वो ज्ञान था, वो ज्ञान कैसे विलुप्त हो गया। या ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न, जैसे हमने कहा ना कि उभरते हैं। ठीक है, तो अतीत के अध्ययन में, ठीक है, इन सब प्रश्नों के उत्तर को भी तलाशा जाता है। अतीत की वो चीजें जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं हमारे जीवन में, उनमें कई चीजें विलुप्त हैं, कई चीजें आज हमारे जीवन में हैं। जैसे हम योग और आयुर्वेद की बात करें, हम तो कोई शक ही नहीं है, मतलब हम अपनी बात तो कर ही नहीं, तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। कोरोना पीरियड में सबने इसके महत्व को, कम से कम प्राणायाम तो थोड़ा बहुत सबने सीख ही लिया जिसको कोरोना हुआ था, मतलब कि भाई श्वास की विधि जिससे लंग्स को थोड़ा हम, ठीक है, हर चीज का अपना महत्व है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हम, एरोबिक्स वगैरह, जिम, दौड़ना, भागना, उसका अपना महत्व है। योग का अपना महत्व है, प्राणायाम का अपना महत्व है, ध्यान का अपना महत्व है, हर चीज शरीर के अलग हिस्सों में अलग अलग उसका, रेसलिंग का अपना महत्व है ना। रवि बैठा हुआ आगे सोचा कि रेसलिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं रोज करने जा रहा हूं, ठीक है ना। सर तुम भी कुछ करते हो क्या, तुम भी कुछ जिम वगैरह जाते हो क्या, नहीं, ठीक है, तो अपना महत्व है ना। तो कई चीजों का अपना महत्व तो है ही, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कुछ बातें, जैसे लौह स्तंभ वाली बातें, इसके कलर वाली बातें, कि भाई क्या था और कैसे लुप्त हुआ वो। आगे लिखे हम बाघ की चित्रकला। अब देखो, अजंता कला पे आपसे सवाल आएगा कि जैसे बौद्ध कला का एक प्रतिनिधि केंद्र रहा है अजंता मान लो, तो वहां पे मूर्ति कला का जिक्र, विहार का जिक्र, चैत्य का जिक्र, प्लस चित्रकला का जिक्र। चित्रकला तो काफी कुछ बता देंगे अब आप, अभी हमने तुरंत आपको बताया था चैत्य और विहार है, वहां पे हीनयानी और महायानी, चैत्य का फीचर वगैरह भी बता देंगे, बिहार का फीचर भी बता देंगे आप। बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं एक, आप ऐसे करके, तो वो हो गया अजंता कला के ऊपर। कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं, इसलिए हमने को इसको काल में लिया था कि एक ही साथ अजंता कराएंगे आपको, चित्रकला भी पूछे, अजंता पेंटिंग, अलग अलग कालों की पेंटिंग है ना, सातवाहन काल, गुप्त काल, चालुक्य काल। तो मौर्योत्तर काल में जब सातवाहन युगीन संस्कृति आप लिखोगे तो वहां भी अजंता का चिकरा, ये एग्जाम्पल दे देना वहां पे भी आप। आ रही बात समझ में सभी को, क्या सवाल है आपका। अच्छा, न्यूज में है, मैगजीन में आ जाएगा, अभी आने दो, मैगजीन में रहेगा। अपने एक क्लास जल्दी होने वाली है मेरी, है ना, तो लेट्स सी कि मतलब कब डेट आता है उसका, तो ठीक है, प्लान जो है तो मैगजीन में बताएंगे आपको हम, जो जिक्र होगा उसका। देखिए आप, बाघ की चित्रकला के बारे में
देखें कि गुप्त काल में ही धार जिले में, धार कुछ किताबों में लिखा रहता है ग्वालियर के नजदीक, है तो दूरी दोनों में, बट कई जगह धार डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है इसको लेकर के। गुप्त काल में ही धार जिले में बाघ की गुफाओं से चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। इन चित्रों में आम जनजीवन से संबंधित गतिविधियों को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, जैसे लिख रहे हैं आप, जैसे जुलूस का चित्र, जुलूस जैसे मतलब भीड़ का चित्रण है उसमें, है ना। लिखें आप, समूह में नृत्य का चित्र, समूह में नृत्य का चित्र, हाथियों के दल का चित्रण, हाथियों के दल का चित्रण इत्यादि कर दीजिए। ठीक है, तो अलग से चित्रकला पे भी सवाल हो सकते हैं गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में, तो आप दोनों को मिला करके आप 150 शब्दों में आराम से लिख ले जाएंगे आप। बाकी प्राकृतिक रंग हर जगह यूज होते हैं, ये भी केव पेंटिंग है, गुफा का मतलब दीवारों पे चित्र है, गुफा चित्रकला का एग्जाम्पल है ये, है ना। मूर्ति कला लिखें आप जरा, मूर्ति कला लिखें कि गुप्त काल में भी ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर जारी रहा। ठीक है, इस दौर में भी इन धर्मों की मूर्तियों का निर्माण, ठीक है, पूर्ववर्ती काल की तरह, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, पूर्ववर्ती काल की तरह, पूर्ववर्ती काल की तरह मथुरा, वाराणसी, सारनाथ, कौशाम्बी, अहिछेत्रा, इत्यादि मूर्ति कला या मूर्ति निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, महत्वपूर्ण केंद्र थे। नेक्स्ट लिखें आप, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों में
मूर्तियों में विष्णु एवं उनके विभिन्न अवतारों विभिन्न अवतारों कौमा शिव कौमा अर्ध नारीश्वर अर्ध नारीश्वर कौमा चतुर्भुजी विष्णु चार भुजाओं वाले विष्णु कौमा एक मुखी शिवलिंग एक मुखी शिवलिंग पार्वती लक्ष्मी इत्यादि देवी देवताओं की मूर्तियां अब जैसे मान लो शिव हैं तो अलग अलग है शिव का अक्सर जैसे जटाएं शिव की होंगी मतलब है ना सर्प होगा चंद्रमा होगी माला शिव धारण करते हैं ना। सामान्यतः जो एक शिव की मूर्ति या शिव का कैलेंडर वगैरह हम देखते हैं जिन विशेषताओं के साथ उनका एक नंदी बैल भी हो सकता है उसमें विष्णु है तो अलग अलग तरीके से कभी शेषनाग मतलब उस पर आराम कर रहे हैं विष्णु मुकुट पहने हुए ठीक है एक आराम की मुद्रा में एक पैर मुड़ा हुआ एक पैर नीचे की तरफ तो ऐसी मूर्तियां भी बनेंगी है ना या अलग अलग जैसे मान लो वराह की मूर्ति है ना तो जो उनके अवतारों की भी मूर्तियां बन रही हैं इस समय तो बहुत विजिबल है इस समय और भी मूर्तियां हैं मतलब गणेश कार्तिकेय सूर्य की मूर्ति है मतलब ऐसा नहीं कि केवल बट ये दो मेन संप्रदाय हैं और वैष्णव का ज्यादा महत्व रहा है इस समय तो ये मूर्तियां बन रही हैं। कोई भी मूर्ति जैसे क्या आपको ध्यान रखना है कभी भी या तो कैलेंडर वगैरह में कभी ठीक है या कभी आप गए मंदिर में निश्चित रूप से आप में से बहुत सारे लोग जाते ही होंगे मंदिर वगैरह में तो वहां जो मूर्तियां हैं ना उस पर एक बार नजर जैसे देवी की कोई मूर्ति है एक बार देख लिया ध्यान से उस समय श्रद्धा से ज्यादा एग्जाम के मकसद से एक बार बाकी तो श्रद्धा है ही ठीक है। मैं तो भाई एक बार हर जगह जाइए एक बार एग्जाम के मकसद से ध्यान दीजिएगा ताकि एक तस्वीर सी बन जाए कि कभी लिखना हो और थोड़ा पता तो जो हजारों साल की हमारी धरोहर है कोई चीज ठीक है इन सब की एक व्याख्या होती है मतलब है तो पता तो हो कम से कम किन किन प्रतीकों के साथ ये मूर्तियां बनती हैं। तो कल्चर में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन का पार्ट है आज भी ये शुरू से मैं कहता आ रहा हूं आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं देख सकते हैं क्लास में सिस्टम बन जाता है देखो ऐसे ऐसे पढ़ना होता है फिर उसको बहुत सी चीजों को तुम देख ही सकते हैं ना आज भी हम समझ में आ रही है बात सभी को ना तो दोनों का संतुलन है ही है मतलब तो हमेशा से अप्रोच में देखिएगा क्या क्या चीजों को हम देख सकते हैं जहां तक संभव हो जा करके प्रेजेंट के साथ या फिर हम गूगल के द्वारा भी देख सकते हैं उसको हम ठीक है कल्चर में ये अप्रोच बहुत कारगर रहता है ठीक है एक दो नजर ध्यान में रखना उससे देखी हुई चीजें लंबे समय तक याद रह जाती हैं ना तो एक बार आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के मकसद से मतलब ईश्वर तो ईश्वर को सब समझ में रहता है कि भाई बालक जो है क्यों हमें देख रहा है आज ठीक है ना ये बालक जो है आज कुछ हम पे लिखना चाहता है ना कभी एग्जाम में आ जाए तो है ना बालिकाओं को भी कह रहा हूं मैं तो अब जैसे शिवलिंग ही की मूर्ति उसमें एक मुख बना हुआ है अर्ध नारीश्वर है उसमें आधा तो शिव यानी पुरुष और पार्वती का बना हुआ है ना हरिहर की भी मूर्तियां मिलती हैं हरि और हर बहुत कम मिलेगी आपको हरि विष्णु हो गए और हर जो है शिव है
ठीक है, तो मूर्तियां मिल रही हैं, उसमें शैव वैष्णव की ही बहुतायत में मूर्तियां मिल रही हैं। आगे लिखें आप। मैं बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक है। आगे लिखें आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आपकी, जैन तीर्थंकरों से संबंधित मूर्तियों के साक्ष्य पूर्ववर्ती विशेषताओं से युक्त पूर्ववर्ती विशेषताओं से, जो पहले वाली हमने बताए थे आपको, आयक पट श्रीवत्स, है ना, एक लिख लें आपको हमारे करके, कि इसी काल में बाहुबली की मूर्तियों का निर्माण भी प्रारंभ। बाहुबली प्रथम तीर्थंकर हैं, उनके पुत्र हैं ये ऋषभदेव के, ठीक है। बाहुबली की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ, इनकी जहां भी मूर्तियां मिलेंगी थोड़ी विशालकाय मूर्ति मिलेंगी, बड़ी मूर्ति मिलेंगी। पूर्व मध्य काल में कर्नाटक में श्रवण बेलागोला में एक बहुत ही विशालकाय मूर्ति है इनकी, वहां पे बड़ी श्रद्धा है। और 12 वर्ष पे, ठीक है ना, मतलब वहां पे एक महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। आपने देखा होगा अखबार में, आज या कल में दिल्ली में एक स्टेडियम में भी बहुत सारे जैन संत भिक्षु वगैरह थे, और प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहां पे, और 13 पंथ जो जैन धर्म का एक संप्रदाय है, 13 पंथ का उल्लेख आया है उसमें, है ना। एक जो जैन मुनि हैं जिन्होंने बहुत लंबी यात्रा की है, संदेश देना चाहे, 1000 किलोमीटर यात्रा के बाद यात्रा का समापन हुआ, बहुत सारे मंत्री वगैरह उसमें गए थे। ऐसे कभी कभी ना संप्रदायों का जिक्र आ जाता है अखबारों में, मतलब तो थोड़ा जैसे पढ़ रहे हैं, तो क्या था 13 पंथ, आपको याद होगा श्वेतांबर दिगंबर में हमने डिवाइड किया था, है ना, ठीक है। वहां पर तो 13 पंथ का जैसे जिक्र आया था, अभी कल या परसों के अखबार में देख रहा था मैं। लिख लिया आपने बाहुबली की मूर्तियां भी। आगे लिखे आप, बौद्ध मूर्तियां भी पूर्ववर्ती काल की तरह इनमें कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं, प्रमुख मूर्तियां हैं। मथुरा से प्राप्त अभय मुद्रा मथुरा से प्राप्त अभय मुद्रा से प्राप्त अभय मुद्रा कौमा सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, तथा सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा तथा भागलपुर, बिहार में पड़ता है ये, भागलपुर से प्राप्त कांसे की एक विशाल प्रतिमा बुद्ध की, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप भागलपुर से जो कांसे की एक विशाल मूर्ति मिली है, मेनली पत्थर की मूर्तियां अधिक मिल रही है, बट धातु की मूर्तियों के भी प्रमाण, जैसे कांसे की मूर्ति बताया मैंने आपको, बहुत फेमस मूर्ति है ये। आगे लिखें, इस काल की मूर्तियों सादगी एवं आभा मंडल को अधिक महत्व दिया गया है। सादगी एवं आभा मंडल को अधिक महत्व दिया गया है।
ठीक है, तो मूर्तियों से संबंधित कोई जानकारी हो गई आपकी, लिखें आप धर्म। पहला पॉइंट लिखें पूर्ववर्ती काल की तरह, पूर्ववर्ती काल की तरह यह काल भी धार्मिक सहिष्णुता का काल, पूर्ववर्ती काल की तरह यह काल भी धार्मिक सहिष्णुता का काल काल लिखें बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्म के विभिन्न संप्रदायों उप संप्रदायों का प्रचलन, विभिन्न संप्रदायों उप संप्रदायों का प्रचलन, आगे लिखे हालांकि राजकीय संरक्षण एवं कई अन्य कारणों से ब्राह्मण धर्म की लोकप्रियता के साक्ष्य मिलते हैं। अब जैसे मान लो बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण है, मूर्तियों का निर्माण है, ये सब भी बता रहा है कि धर्म की लोकप्रियता जो है बढ़ी है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म कहो या आप हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म भी कह सकते हो आप उसे, किताबों में लिखा हुआ है, हालांकि उसके पीछे भी एक मकसद ही होता है लेखक का। ठीक है, वो आइडिया रहता है कि हाँ मार्क्सवादी दृष्टिकोण है तो बहुत रैशनल, बट कुछ चीजों को वो बैठाना चाहते हैं मतलब लोग जहन में, है ना। तो कोई नहीं, उसे वैदिक धर्म कहो, ब्राह्मण कहो, हिंदू कहो, सनातन कहो, है ना, मतलब लोकप्रियता का काल है। आगे लिखो, आप लिखो ब्राह्मण धर्म में भी वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय, संप्रदाय अधिक लोकप्रिय। लिखें दशावतार कौमा भक्ति एवं अहिंसा पर बल, अहिंसा पर बल तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित बड़ी संख्या में साहित्यों का संकलन, जैसे भागवत गीता, भागवत गीता कौमा विष्णु पुराण, विष्णु स्मृति, इत्यादि, इसी में लिखें दक्षिण पूर्व एशिया में भी वैष्णव संप्रदाय का प्रसार, ठीक है, तो वैष्णव का ज्यादा उत्थान हुआ है। जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक जानकारी दी हुई है गुप्त काल पे दो चैप्टर उसमें, कि विष्णु तो वैसे वैदिक काल से ही उनका एक अपना महत्व रहा है। ठीक है,
लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक समय के साथ नारायण नामक एक देवता है और विष्णु कुल के जो कृष्ण हैं, ठीक है, उन सबको विष्णु के साथ समाहित किया गया है। नारायण के बारे में कहा जाता है कि आर्य शर्मा जैसा उल्लेख करते हैं कि भाई अपने भक्तों में भाग या भाग्य का बंटवारा करता है, ब्लेसिंग्स भी बांटते हैं वो, वितरण करते हैं। तो उसमें बताते हैं कि विष्णु के साथ ही नारायण को भी जोड़ा गया है, तो विष्णु को ही नारायण भी कहते हैं। कृष्ण को उनका अवतार ही माना गया गुप्त काल तक आते आते, ठीक है। देखो, एक तो जो इसका एक आस्था वाला पक्ष है वो अलग है, ठीक है, वो मतलब जहां आस्था है वो है, ठीक है, देव हैं नहीं हैं, मानने वाले मानते हैं कण कण में देव हैं, ठीक है ना, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, जिनको मानते हैं कि भाई जिनके लिए सब कुछ विष्णु ही है, मतलब मान लीजिए, है ना, तो कृष्ण को देवों का देव, महादेव, मतलब एक तरह से भाई ऐसा कहा जाता है उनको भी, कि सभी देवताओं में वही है मतलब। और उसी में फिर तो इसी संप्रदाय को भागवत संप्रदाय भी कहा जाता है, वैष्णव को ही भागवत कहा जाता है, ठीक है, मतलब एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि वैष्णव को ही, तो वो करीब एक पेज में समझाया है उन्होंने, उतनी समझ की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम जितना उन्होंने समझाया है, लेकिन हाँ, नारायण कृष्ण सब विष्णु के ही रूप हैं, ये बात समझने ध्यान रखना है हमें। आगे लिखें आप, वैष्णव संप्रदाय के साथ साथ शैव संप्रदाय, कौमा शाक्त संप्रदाय, शाक्त देवियों की पूजा, शक्ति की पूजा, शाक्त संप्रदाय का भी इस काल में महत्व बढ़ा। ठीक है, इसी में लिखे, इस काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा भी लोकप्रिय हुई। त्रिमूर्ति की अवधारणा भी लोकप्रिय हुई। आगे लिख लें आप एक और पॉइंट, मंदिरों का पूजा स्थल के रूप में महत्व तो बढ़ा। मैं तो बढ़ाता था, मूर्ति पूजा भी लोकप्रिय। यज्ञ कर्मकांड का महत्व तो पहले से है, अभी भी है, ठीक है। तो आप देखोगे मंदिर पूजा, मूर्ति पूजा, या जो पूजा पाठ वगैरह की जो विधि है, रामायण महाभारत जैसे जो ग्रंथ है ना, अंतिम रूप से संकलन इस काल में हुआ, तो हिंदू समाज के धार्मिक जीवन में बहुत सारी विशेषताएं, वैदिक काल और गुप्त काल से संबंधित विशेषताएं धार्मिक जीवन में आपको देखने को, ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि वैदिक काल के बाद गुप्त काल में बहुत ऐसी विशेषताएं हैं जो आज भी हिंदू धार्मिक जीवन में आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। अब लिखो आप साहित्य, साहित्य ये जो दौर है साहित्यिक रचनाओं के लिए भी जाना जाता है। देखिए, एक बार ना मैंडेटरी है कि एक बार आप किताब जरूर पढ़िएगा, गुप्त काल में दो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर तो जरूर पढ़िएगा, इसमें धर्म कला साहित्य का उल्लेख, साहित्य वाला खंड खास करके, ठीक है। जैसे 10-12 पेज का चैप्टर होता है तो उसमें एक आधा पेज में साहित्य भी रहता है, वो एक बार पढ़ना है आपको। साहित्य, धर्म और कला 12 पेज में 2-3 पेज ये रहता है, बाकी 9 पेज को पढ़ते हुए निकल जाया करो, बट ये जब आया करे तो वहां रुक करके जरा एक बार
ठीक है, थोड़ा ठीक से उसको पढ़ लिया करो, एटलीस्ट साहित्य वाले खंड के तो हमेशा। इस दौर में क्या देखते हैं हम, रामायण महाभारत और पुराणों का अंतिम रूप से संकलन। ये माना जाता है कि मौखिक रूप से समाज में प्रचलित था। सोचो जो मौखिक परंपरा है कितनी मजबूत रही है अपने यहाँ। अपने यहाँ आज भी अध्ययन अध्यापन में कहा जाता है सुबह उठकर चीजों को पहले याद कर लिया करो। सुबह जो तो दिमाग बहुत तीव्र काम करता है, चीजें याद रह जाती हैं। शहरी जीवन में लोग थोड़ा भूल गए हैं मतलब सुबह उठना, ठीक है, उनको लगता है कि लेट नाइट पढ़ने से चीजें ठीक रहती हैं, बट एक बार आदत पड़ जाए तो सुबह वाला तो वाकई बहुत एक बढ़िया सब होता है। मौखिक रूप से हजारों साल तक प्रवाहित होती रही है रामायण की जो सारी शिक्षाएं हैं, मौखिक रूप से प्रवाहित होती रही समाज में। महाभारत की शिक्षाएं, जो पूरी कहानियां मौखिक रूप से, पुराणों की इतनी सारी कहानियां, मतलब कितने विशेषज्ञ रहे होंगे, जानकार रहे होंगे इसके, जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो कई सौ वर्षों तक प्रवाहित, कई पीढ़ियों तक प्रवाहित हुई है। जब कभी यूनेस्को के लिस्ट पढ़ोगे, सौरभ जी बहुत जल्दी आप लोगों को दे देंगे, है ना, दे दिया, हाँ दे देंगे बहुत जल्दी आपको, उसमें मूर्त और अमूर्त विरासत एक हैंडआउट्स, मैंने कहा था ना यूनेस्को का लिस्ट आप लोग सब डाउनलोड कर लीजिएगा। कितने लोगों ने किया था, देखिए तो सर, देना क्यों जरूरी है ना, मतलब हम लोग आपस में बात करते रहते हैं ना, सुझाव देने के बाद भी भरोसा नहीं रहता है ना, रिजल्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद ठीक है ना, आप बोलेंगे हमने तो फीस तो दिया था हमने कोचिंग में, अरे भाई फीस पर जितनी पढ़ाई होती उतनी बता दी गई आपको, ठीक है ना। सही मायने में 1-1.5 महीने का वेतन भी फीस नहीं होता है ना, और जीवन में जो आप जिस भाव से नौकरी करोगे उस भाव की तो कोई कीमत ही नहीं होगी। पैसे वैसे तो चलो आते जाते रहेंगे आपके भी, है ना, मतलब जिस भाव के साथ आप जॉब करोगे ना वो थोड़ा अद्भुत होगा, मतलब कि मैं हूं, है ना, वर्दी वगैरह पहन लिया तो समझ रहे हो चाल कितनी बदल जाती है, साथ में माउजर वगैरह रहता है ना, बॉडीगार्ड होते हैं एकदम, ठीक है, और जय हिंद तो बस नॉर्मल से संबोधन होता है वैसे तो, हर बात में जय हिंद लिखें। साहित्य में पहला पॉइंट लिखें कि ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित रामायण कौमा महाभारत एवं पुराणों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में आगे लिखें आप, नारद बृहस्पति विष्णु कात्यायन कात्यायन इत्यादि स्मृतियों का संबंध भी गुप्तकाल से, स्मृतियों का संबंध भी गुप्त काल से, एक तो धार्मिक साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत विपुल साहित्य की रचना हुई है इस काल में, बड़ी संख्या में स्मृति, रामायण महाभारत सारे पुराणों का संकलन मतलब, ठीक है, तो इस मामले में ये काल काफी समृद्ध है धार्मिक साहित्य संकलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें प्रचलित हैं समाज में पहले से। दूसरा पॉइंट लिखो आप, लिखो बड़ी संख्या में नाटक एवं काव्य साहित्य की रचना,
रचना कौमा लेके लिखो, इस काल के प्रमुख नाटककार एक तरफ नाम लिख लो और उनकी रचनाएं लिख लो आप, है ना। सबसे पहले लिखो भास, ऐसे माना जाता है भास ने 13 नाटक लिखे थे। भास ने 13 नाटक लिखे थे बट सारे नाटक मिलते नहीं है भास के, ठीक है। एक फेमस नाटक इसका है स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता, ठीक है। एक नाम लिख लो आप कालिदास, कहने की जरूरत ही नहीं है कालिदास के बारे में। इनके कुछ नाटक का नाम लिख लो, अभिज्ञान शकुंतलम, जैसे किताब वगैरह पढ़ोगे उसमें दिया हुआ। ये पहला नाटक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद, पहला नाटक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था अंग्रेजों के समय। अभिज्ञान शकुंतलम लिख लो आप। मालविकाग्नि मित्र, इसका उल्लेख पहले भी कर चुके हैं आपसे हम, मालविका अग्निमित्र। एक और नाटक लिख लो, विक्रमो उर्वशियम। विक्रमो उर्वशियम, भास कालिदास प्रमुख नाटककार हो गए। ऐसे लिखो आप विशाख दत्त, विशाख दत्त में लिख लो आप। एक तो जानते ही हो मुद्रा राक्षस, और एक लिख लो आप देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, देखो विषय जैसे मालविका अग्निमित्र में सुंग शासक अग्निमित्र का जिक्र है और मालविका का प्रेम प्रसंग, वैसे मुद्रा राक्षस में चाणक्य चंद्रगुप्त वगैरह की योजना है। देवी चंद्रगुप्त में गुप्तकालीन चंद्रगुप्त की चर्चा मिलेगी आपको, ठीक है। तो रचनाओं के थीम बदलते रहते हैं, थोड़ा किताब से हमें ये आइडिया रहे कि इसका विषय क्या है पढ़ने के दौरान। याद रहे ना रहे उससे मतलब नहीं, बट एक दो बार थोड़ा अवेयर रहिएगा। वैसे अपना जो कल्चर का नोट्स, उसमें साहित्य हमने दे रखा है, साहित्य में हमने सब उल्लेख किया हुआ है। एक हम साहित्य पे रीप्लान कर रहे हैं थोड़ा ब्रीफ, जैसे आपको वैदिक साहित्य पे दिया था, है ना। एक पहली बार शुरुआत कर रहे हैं हैंडआउट्स का, हम लोग थोड़ा संक्षिप्त वर्जन बना रहे हैं उसका हम लोग, ताकि आपके पास संक्षेप में भी एक जानकारी, ठीक है। तो उसमें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको हम अलग से, मतलब उसका कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है ना कमिटमेंट था, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी डिटेल में दे रखा है। बट एग्जाम को देखते हुए ना, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, थोड़ा सब्जेक्टिव में भी ज्यादा जानकारी की जरूरत तो रहती नहीं है हमें, उसका एक ब्रीफ वर्जन जो है मतलब, ठीक है। खासकर साहित्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ कुछ हैंडआउट्स पे काम कर रहे हैं हम लोग इस तरह से, कि थोड़ा आपके लिए सहूलियत हो मतलब, और आसानी से आपको दिख जाया करे मतलब, है ना, ठीक है। क्योंकि वो डिटेल में बहुत दिया हुआ है उसमें, जो हम लोगों ने दे रखा है कल्चर वाला आपका नोट्स। तो विशाख दत्त हो गया, एक और लिखे सुद्रक, नाटककार हैं गुप्तकालीन। शूद्रक, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। इसमें एक ब्राह्मण है चारुदत्त और एक गणिका है वसंत सेना, नगर वधु है मतलब वसंत सेना, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का उल्लेख। तो मैक्सिमम नाटक देखोगे प्रेम प्रसंग पे ही चल रहा है, या राजा को हटाने पे नाटक है, या फिर प्रेम प्रसंग पे ही मैक्सिमम नाटक, ठीक है। देखो जो चीज चेतना में बैठ जाए, या समाज में हमने प्रेम को हमेशा महत्व दिया, अब लोग नाटक जब खेलते हैं, जैसे पिक्चर का एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है,
पिक्चर में बताई हुई बातों को हम कई बार सत्य ही मान लेते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, ठीक है ना? पिक्चर में बताई हुई बातों को, है ना, अभी आपने देखा होगा एक डायरेक्टर है बहुत चर्चा में आए हैं, कश्मीर फाइल पिक्चर बनाई है ना, तो पीछे एक वाक्या था अपनी कोचिंग का, उसको लेकर के भी मतलब थोड़े बहुत चर्चा में आए थे वो, ठीक है ना, मुझे ध्यान है। एक भोपाली शब्द को लेकर विवाद में घिर गए हैं अभी वो, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत यदि पढ़ा हो, है ना, जब उनकी खूब आलोचना हुई अभी, तो चूंकि भाई कभी कभी किसी का कद बहुत बड़ा होता है तो आलोचना, और बस आलोचना को ही दबा दिया जाता है, भाई इसका कद बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, मतलब आलोचना कैसे। आलोचना में जवाब देते हुए कह रहे थे वो, मतलब मुझे याद है अभी मध्य प्रदेश में काफी आलोचना हुई उनकी, मतलब है ना, जवाब देते हुए कह रहे थे कि कुछ भी आलोचना करने के पहले तथ्यों को जांच लेना चाहिए, मैं एक पत्रकार हूं, और कुछ समय पहले मैंने किसी ने अपने ही टीम के लोगों ने कुछ ट्वीट पढ़ाया था मुझे उसका, तो मुझे मूर्ख जैसा ही लगा मुझे वो डायरेक्टर जो है, मतलब ठीक है ना, कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कहीं से कोई बात आई उसने ट्वीट कर दिया, मतलब तब मुझे समझ में आया कि गधों की कमी नहीं है इस देश में, ठीक है ना, पिक्चर बनाने से मतलब कोई बेबाक एकदम, कहने में मुझे कोई, तुम ये अपेक्षा करते हो कि तुम्हारी आलोचना हो तो पहले के तथ्यों की जांच ली जाए, तो तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए जब तुम किसी की आलोचना करते हो तो पहले तुम भी तथ्यों को जांच लो, ठीक है, पहले तुम भी तथ्यों को जांच लो, ठीक है, तो भरे पड़े हैं ऐसे मूर्ख, ठीक है, कमी नहीं है उनकी, मतलब अपने लिए अलग शर्त, दूसरे के लिए अलग शर्त, ठीक है, भरे पड़े ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है। तो पिक्चर में बताई हुई बातें, वैसे रंगमंच और थिएटर में बताई हुई बातें, उसका एक इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो मृच्छकटिकम जो है इसका उल्लेख है यहां पे, नोट करके लिखें आप जरा, नोट करके, हाँ लिखें, आपकी नाटक में उच्च वर्ण के पात्र नाटक में उच्च वर्ण के पात्र संस्कृत बोलते थे, और निम्न वर्ण के पात्र प्राकृत। ठीक है, निम्न वर्ण के पात्र प्राकृत, ठीक है, तो एक भेदभाव दिखाई पड़ेगा आपको। संस्कृत जैसे इस काल तक आते थे उच्च वर्ण की भाषा हो गई थी प्राकृत, मतलब उसमें भी एक भेदभाव, ये भाषा हम क्यों बोलेंगे, हम भेदभाव कितने गहरे स्तर पे था हमारे समाज में, उसका भी रिफ्लेक्शन करते हैं ये नाटक साहित्य। आगे लिखें आप कुछ काव्य के बारे में, काव्य साहित्य, देखो एक तो जैसे रामायण महाभारत वगैरह है ही आपका महाकाव्य के रूप, इसमें लिखे कालिदास की रचनाएं, रचनाएं लिखे आप ऋतु संहार, कौमा मेघदूत, कुमार संभवम, कौमा रघुवंशम, और आपको याद होगा हमने एक अमरकोश का तो उल्लेख कर दिया था पहली संस्कृत व्याकरण अमर सिंह के साथ, वो इस दौर की रचना है वो भी। वैज्ञानिक साहित्य में लिख लें आप जरा नाम एक आधा, वैज्ञानिक साहित्य में लिखे आर्यभट्ट की रचना है आर्यभटीय, ठीक है, आर्यभटीय, आर्यभट्ट की रचना है। एक लिख लो आप वराह मिहिर जो विद्वान है, वराह मिहिर, वराह मिहिर की रचना लिख लें आप जरा यहां पे, बृहद जातक,
लघु जातक कौमा पंच सिद्धांतिका। पांच सिद्धांत जो भारत में प्रचलित रहे हैं ज्योतिष क्षेत्र में, इसी पंच सिद्धांतिका में एक रोमक सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। जब हमने कहा था ना यूनानियों का प्रभाव देखा गया, तो ये पांच सिद्धांतों की बात कर रहे हैं ज्योतिष में, कौन कौन तरीके प्रचलित है भारत में, वेदांग ज्योतिष, यूनानी ज्योतिष, ऐसे करके, है ना। उसी में एक रोमक सिद्धांत का भी उल्लेख कर रहे हैं। तो ये ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, खगोल शास्त्र के बड़े जानकार थे वराहमिहिर। आर्यभट्ट जो भी थे वो भी खगोल शास्त्र के जानकार थे, गणित के बड़े विद्वान थे, त्रिकोणमिति, ठीक है। और गुप्त काल के जो विद्वान थे उन्हें शून्य का ज्ञान था, शून्य का उल्लेख किया गया गुप्त काल में। तो जब आप किताब पढ़ेंगे ना, तो उसमें जैसे आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट ने तब बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस तरह से बताया था वही आज भी माना जाता है। कहने का मतलब इस तरह की ज्ञान और चिंतन की भी एक परंपरा हमारे यहां रही है जो मजबूत नहीं बन पाई, उसके बहुत सारे कारण हैं। बट एकदम से ऐसा नहीं था कि वो दौर, चूंकि ये सब चीजें थी हमें नहीं मिलती तो पता भी नहीं चलता। तो अंग्रेजों की बात सच्ची होती कि हम कुछ जानते ही नहीं थे दुनिया में, हम तो जो बताया हम अंग्रेजों ने ही बताया है, ठीक है। बट इतनी मजबूत परंपरा है कि भाई आप एक और लिख लें, आप लास्ट नाम लिखें, वाग भट्ट, एक आयुर्वेद के जानकार हैं, इनकी रचना है अष्टांग हृदय, वैज्ञानिक साहित्य में नाम लिखते हैं अष्टांग हृदय, ठीक है। वाग भट्ट अष्टांग हृदय, वाग्भट का नाम नहीं मिलेगा किताब में आपको, ये अलग से मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो ये है साहित्य। तो आप देखो कि गुप्तयुगीन संस्कृति में साहित्य की रचनाएं बड़े पैमाने पर हुई हैं। धर्म देखोगे आप, सहिष्णुता का काल है, हिंदू या ब्राह्मण धर्म के उत्थान का काल है ये, ठीक है, लोकप्रियता बढ़ी है उसकी। और मूर्तिकला की हमने बात की, स्थापत्य कला की हमने बात की, और चित्रकला की हमने बात की, ठीक है। तो ये संस्कृति का तत्व है आपका। गुप्त काल पे चर्चा हो गई है, कल वाली क्लास में हम लोग गुप्त काल के बाद जो गुप्तोत्तर काल है उसमें पढ़ना तो है हमें एक तरह से, तीन हर्षवर्धन के बारे में, पल्लव के बारे में, और चालुक्य के बारे में, बट थोड़ा अलग तरीके से मैं इसको फ्रेम करूंगा, कल बताऊंगा मैं आपको थोड़ा गुप्तोत्तर काल, और फिर कल हम लोग पूर्व मध्य काल पे आ जाएंगे, ठीक है। कल ही मैं फ्रेम बताऊंगा कि 1200 तक का इतिहास में कैसे लेके आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। कल आप फिर उस पर बातचीत होगी। हाँ बोलो। हाँ आएगा, अर्थव्यवस्था में जो शिल्प होता है आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है, और शिल्प अपने आप में कला है। तो हमने शुरू के कई क्लास में बताया था जब भी आप कला लिखें तो उसमें शिल्प को भी बता दिया करें हम, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में जब आप बताएं तो उसको आर्थिक दृष्टिकोण से बताएं, उसको जब कला में ले आए तो कलात्मक दृष्टिकोण से बताएं आप, बस ये अंतर रखना है उसमें, ठीक है। थैंक यू।